हेलो हेलो एंड वेलकम 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 टू आर न्यू वीडियो। और वीडियो का टॉपिक क्या होगा? आईपीएल रिव्यू स्ट्रीम होने वाली है। थोड़ा लेट हो गए हम लोग, बट ठीक है। मतलब कि अब इतना बड़ा ऑप्शन हुआ, रिटेंशन देखने को मिला, उसके बाद में इतनी सारी टीमें भी थी और हम सब भी कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं व्यस्त थे। तो आईपीएल कब हम देखें शौक में इंडिया भी थे, का क्या? हम लोग शौक में भी थे। हाँ हाँ, शोक में भी थे क्योंकि हमारे तो जितने प्रेडिक्शन थे सब गलत गए, और मतलब उन सब पे भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो एक थोड़ा लंबा अपन मतलब वीडियो रख लेंगे इसके अंदर। और मतलब ये भी है कि मतलब हम लोग बिजी भी थे, शौक में भी थे, इस वजह से बना नहीं पाए वीडियो। बट देखें, आईपीएल तो इंडिया का त्यौहार है ही सही, और आईपीएल होगा बिल्कुल ऐसे मार्च में है, तो कभी वीडियो पड़ी रहेगी, कभी भी आप देख लेना। बाकी व्यूज बढ़ाने का मन हो तो बढ़ा देना। तो पहली टीम से हम लोग स्टार्ट करते, चेन्नई सुपर किंग्स। ये तो बिल्कुल टीम किंग्स ही है। मतलब आप लोग का क्या कहना है? और ये टीम थोड़ी मैं बड़ी कर देता हूँ, ये देखिए आप टीम में एक बार अनाउंस कर देता हूँ। देखिए, बैटर्स महंगे के पास कौन कौन है? गायकवाड़ है, डेविन कॉनवे है, एमएस धोनी है, राहुल पाटीदार पिक किया है इन्होंने, वंश बेदी है, आंद्रे सिद्धार्थ है, शेख रशीद है। बॉलर्स में इनके पास में पथिराना है, नूर अहमद है, श्रेयस गोपाल है, खलील अहमद है, गुरजपनीत सिंह, ये इनका मैं नाम शायद गलत बोल रहा हूँ, और नेथन एलिस है, मुकेश चौधरी है। ऑलराउंडर में देखेंगे रविन जडेजा है, रविचंद्रन अश्विन है, शिवम दुबे है, सेम करन है, दीपक हुड्डा है, और जेमी है इनके पास में, विजय शंकर है, उसके बाद में घोष है, एक और कमलेश नागरकोटी भी है, अश्विन भी है इनके पास में, और अंशुल खंबुज भी है, रचिन रविंद्रा है। मतलब मैंने पहले अश्विन का नाम लिया वहां पे। क्या लग रहा है टीम, और क्या पिक करा, और किस तरीके से ऑप्शन गया चेन्नई का, क्या चांस लग रहा है इनका? देखिए, मैंने और पांड्या जी ने साथ में बैठ का ऑप्शन देखा था, तो ठीक हम इस बार का ऑप्शन पूरा क्रैक कर चुके हैं। है, अच्छा ठीक है, क्या हाँ, कहना आपका, बताओ। तो हमारी पहली प्रिडिक्शन तो सही नहीं गई थी, लेकिन जब हमने देख लिया कि कौन कैसा कर रहा है, फिर आप पूछिए पांड्या जी, सब दोनों की प्रिडिक्शन सब सब सारी सही जा रही थी। हाँ, तो ये मतलब मैं अगर उसमें कुछ पॉइंट ऑफ व्यू डालना चाहूंगा, मतलब इसमें कोई डिस्कशन का, मुझे लगता है कि चेन्नई ने अपना जो कोर था वो ही मतलब इंटेक्ट रखने की कोशिश करी है, मतलब की तो वही उन्होंने इस तरीके से नहीं, पिक करा। चेन्नई की स्ट्रेटेजी इस बार चेन्नई, क्लियर थी। चेन्नई की जो स्ट्रेटेजी है वो है घर वापसी। घर अच्छा, वापसी घर वापसी। दो है, दो है, दो है। एक घर एक तो वापसी घर है वापसी, रिकॉर्ड और एक सीएसके का फुल फॉर्म बताइए अब क्या है। सीएसके का फुल फॉर्म क्या होगा यार? वैसे चेन्नई चावल सुपर सुपर किंग्स किंग्स। है, चेन्नई सुपर हाँ, किंग्स है, लेकिन ऑक्शन में है चेन्नई सुधार ये केंद्र। सुधार चेन्नई सुधार केंद्र, केंद्र अच्छा। ये पुराने प्लेयर्स को ला करके, बुढ़े प्लेयरों को ला करके इनकी कोट लगाई जाती है, इनको ठीक किया हाँ, जाता है इस बात। नहीं जिस जिमी नहीं फिंगर का जिस फॉर्म नहीं है, ले आओ। दीपक हुडा नहीं मार पा रहा, ले आओ। कमलेश नागरकोटी को 4 सीजन हो गए, नहीं हो पा नहीं रहा है, बुला लो। हो पा रहा, बुला लो श्रेयस गोपाल का राहुल डेब्यू नहीं हो पा रहा त्रिपाठी, है, बुला लो। बुला लो। अरे, नागरकोटी है, राहुल त्रिपाठी है, ये नेथन एलिस है, ये पंजाब में तो खूब हाँ कूट हाँ खाता है ये हाँ भी। सब वही तो, अब उनका ये सुधार सब होगा ना, सुधार इधर आप केंद्र, देखना कैसे परफॉर्म इनका सबका करेंगे। सुधार शेन होगा। ये सब सुधार केंद्र का वॉटसन, मतलब। शेन वॉटसन नहीं खेल पा रहा था, चेन्नई में आया, देखो आप। तो चेन्नई की ये दो ही तुम्हारे स्ट्रेटेजी थी, एक घर वापसी एक घर जो उन्होंने वापसी और मतलब दूसरा डेवन सुधार केंद्र, कॉनवे और अपना क्या सुधार बोलते केंद्र, हैं, डेवन कॉनवे और सचिन ऐश अन्ना और इनको रख के उन्होंने जो घर वापसी करी है, रवीन, सचिन सेम करण को भी रविंद्र, लिया है। हाँ यार, बिल्कुल सही बोल रहे हो यार आप। और ये सैम सुधार करन की घर केंद्र में विजय वापसी, शंकर भी है, नागरकोटी विजय भी है, शंकर विजय है। नहीं, सैम शंकर, वही करन तो तो घर बोल रहा वापसी हूँ, है, लेकिन ये जो सैम विजय करण भी घर शंकर वापसी है, है। हाँ यार, ये सबका सुधार केंद्र है। कमलेश नागरकोटी दीपक का, विजय शंकर का, इन सबका सही है, दीपक एक हुडा, सुधार राहुल केंद्र है। त्रिपाठी का, इनकी इनकी बॉलिंग में क्या लग रहा है? मतलब बॉलिंग में कुछ इनका पैनापन है या स्ट्रेंथ है या क्या लग रहा है? मतलब कि ये देखे, पथिराना तो अच्छा बॉलर है, नूर अहमद भी अच्छा बॉलर है, देखिए, इसको तो खिलाएंगे ये लोग। नेथन एलिस खेलेगा नहीं खेलेगा, जड्डू तो खेलेगा, अश्विन को भी खिलाना पड़ेगा। आप एक बात ध्यान रखिए, अगर भले ही धार नहीं है लेकिन उधार ले आएंगे, वो धोनी खड़े हैं पीछे, विकेट के पीछे, तो क्या दिक्कत बात वो है। चेन्नई के आप साथ तो उसे सारी प्रॉब्लम वही है कि छोड़ भाई दीजिए। चेन्नई कभी भी मतलब ऐसा स्टार बॉलर्स के साथ में नहीं जाती थी, मतलब वो सिर्फ हाँ, अपने पास बॉलर रख लेती थी और उनको सिर्फ वो ड्रेसिंग रूम स्टार से ही बन पता जाता था, है। ड्रेसिंग रूम से उनको बता के लाते थे कि भाई आपको करना क्या है, जो भी आपको करना है वो पहले से ही बता देते थे कि भाई आपका काम ये है और आपको सिर्फ इतना ही करना है। दीपक चहर को पहले से ही पता था, अगर वो पहले जब खेलते थे कि भाई आपको मतलब पावर प्ले में 3 ओवर डालने हैं, मतलब डालने हैं, हाँ, तो पावर प्ले के बॉलर तो था ना, मतलब पावर प्ले में कर हाँ लेते थे कि ये डेथ ओवर में अगर कूट खाएगा, ज्यादा रन पड़ेंगे, तो फिर इसी तरह पहले ऊपर ऊपर ही बॉल करवा लो ये तो। तो चेन्नई मतलब एक फॉर्मूले के और प्रोसेस के हिसाब से चलती है, तो वो प्रोसेस फिर से फॉलो करेंगे, और मेरे हिसाब से तो
मतलब ठीक ठाक उन्होंने बैकअप्स वगैरह भी काफी अच्छे उठा लिए हैं, मतलब उनके प्लेयर्स के बैकअप भी काफी हैं, और इंडियन और ओवरसीज का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन भी है। मतलब जैसे सैम करन है, तो सैम करन मेरे हिसाब से फर्स्ट चॉइस होंगे, लेकिन अगर सैम करन परफॉर्म नहीं कर रहे तो उसके लिए बैकअप के लिए उन्होंने विजय शंकर भी लिया है। तो ये मतलब प्लेयर बाय प्लेयर गए, मतलब कि वो हाँ ये हाँ, सही तो बोल जैसे पति राणा उनका फर्स्ट चॉइस मतलब फास्ट बॉलर है, लेकिन पति राणा नहीं कर पाता तो नेथन एलिस उसकी जगह लिया है उन्होंने, कि कभी बाई हाँ चांस उसको दीपक इंजरी हो हुड्डा जाए और तो। मतलब राहुल त्रिपाठी हैं जो मिडिल में खेलते हैं हाँ वो लोग, हाँ जैसे सही है। इस बार उन्होंने अजिंक्य को जाने दिया, तो अजिंक्य की जगह किसी को तो खिलाना पड़ेगा, तो जैसे अभिषेक त्रिपाठी वो काम कर सकते हैं इनके लिए, राहुल त्रिपाठी, हाँ राहुल राहुल त्रिपाठी सॉरी, त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी उसके लिए वो काम कर सकते हैं, और अगर राहुल त्रिपाठी नहीं कर दीपक पा रहे तो अभिषेक हुड्डा को ट्राई करेंगे। हाँ हुड्डा। अभिषेक कहाँ से याद आ रहा आपको यार, कौन है अभिषेक ने अभिषेक? अभी सेंचुरी मार दिया ना उधर 28 बॉल पे, तो अभिषेक याद आ रहा है मुझे। अच्छा 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 ये अपने ये बच्चे खेल रहे हैं एशिया कप में ये, हाँ अच्छा, तो ठीक है अभिषेक चलो। ने आप अभी पता दूसरे फाइनल नहीं कहाँ पे तो उसने 28 बॉल पे सेंचुरी मार दिया है बढ़िया। में तो पहुंच गई इंडिया तो वहां पे, दिल्ली दिल्ली तो अब हम दूसरी देखिए टीम की तरफ मूव करते हैं, एक है चैंपियन टीम और दूसरी ऐसी टीम है जिसने अच्छे खासे कप्तान को देखिए, अच्छे मैं खासे तो आईपीएल जाने दिया। 2025 में भी यही बोलूंगा, आईपीएल दिल्ली 2025 जीतेगी, जो होगा कि उसमें ही बोलूंगा दिल्ली अभी दूर है। हाँ यही मैं बोल रहा था, दूर दिल्ली अभी दूर अस्तो, दूर अस्तो, अभी अस्तो नहीं दिल्ली, अस्तो दूर दिल्ली, दूर अस्तो। अस्तो, और दिल्ली की फिर से बेली बन चुकी है। ये दिल्ली की जो ऑक्शन या दिल्ली जो टीम है ना, ये दिखाती है कि हाँ भैया दिल्ली में एक समय पे जो है जो सल्तनत पीरियड में वो कौन था वो शासक जिसने दिल्ली से वो चेंज कर दी थी ना, वो क्या बोलते थे यार अपन, एमबीटी, एमबीटी करके बोलते थे ना उसको, क्या बोलते थे यार उसको, मोहम्मद हाँ मोहम्मद बिन बिन तुगलक, तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक था ना वो, दिल्ली से उसने राजधानी चेंज कर दी थी, उन्होंने कप्तान चेंज कर दिया है। कप्तान में देखें केएल राहुल कप्तान बनाया है ना, द ग्रेट केएल राहुल, हालांकि इनको देखें आप ओपनिंग भी करा सकते हो, विकेट कीपिंग भी करा सकते हो, कप्तानी भी करा सकते हो, बट अब ये कैसा परफॉर्म करते लेकिन हैं। 2 मिनट आप इनकी टीम पर जाओ, उससे पहले मैं पांड्या जी से रिक्वेस्ट करूंगा इनकी भी स्ट्रेटेजी बता दें, इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी। हाँ नहीं, हाँ आप ये बता दे चलो यार, ये मैं मुझे माफ कर दो, आपके ऑप्शन में इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी ये बता दे चले आप, बोलिए म्यूट हो आप, म्यूट हो पांड्या जी। मैंने जी म्यूट आप। इनकी इनकी स्ट्रेटेजी में थोड़ी सी भूल गया हूँ। अच्छा भूल गए आप, मैं बता देता हूँ इनकी स्ट्रेटेजी थी, जो प्लेयर कम भाव में उनके भाव बढ़ाना, श्रेयस हाँ ये तो अरे अय्यर यार 2-3 करोड़ में आ रहा है ये उठा इससे दिया, ये जैसे तो अच्छी 26 लाख बात है ना कि रुपये अपने प्लेयर्स को पैसा मिला ना, अर्शु पाजी को 18 करोड़ रुपए डिजर्व करते थे, मिल गए, 18 तो नहीं करते थे पर फिर भी मिल गए ना, तो अब तो डिजर्व करते हैं, अब जब मिल गए तो। मिल हाँ गए फिर सबको, उन्होंने ऐसे ही किया, सबके भाव बढ़ाए इन्होंने। तो ये तो सही किया, तो दिल्ली का देखें कप्तान हो गए, 14 करोड़ रुपए मेरे को देखिए लगता है डील बहुत शानदार मिली है, मतलब केएल राहुल के, अलग केएल को हाँ, लगेगा केएल राहुल के क्योंकि रूप में तो बहुत अच्छा डील है, टेस्ट तो इनकी बैटर्स अगर मैं स्टब्स बता को तो दूं, उन्होंने हाँ देखें स्टब्स को तो रिटर्न किया है, मतलब कि 9 करोड़ रुपए में, किया था। जेक नहीं फ्रेजर स्टब को, मैगर, हाँ फेजर को 9 करोड़ में खरीदा है इन्होंने, हाँ ये इन्होंने बहुत हैरी ब्रुक अच्छा अच्छा खरीदा है, डील है मेरे हिसाब से, क्योंकि और हैरी ब्रुक कितना अच्छा हमको लग खरीदा नहीं रहा इन्होंने, था कि दिल्ली के बाद वापस आएगा जेक फ्रेजर मैगर। हाँ, पंजाब का लग रहा था पंजाब जाएगा, पंजाब जाएगा, हाँ, और मतलब ये देखो ये हैरी ब्रुक को अच्छा खरीदा है इन्होंने, वो पोरेल को भी अच्छा खरीदा है, फाफ डुप्लेसी को भी अच्छा खरीदा है, फरेरा को भी अच्छा खरीदा है, क्रम नान को भी किन अच्छा खरीदा है, बट डिफिकल्टी होगी कि फिर ये ओवरसीज में किन किन को खिलाएंगे, बस ये दिनों बॉलर्स में खिलाएंगे अगर आप सही देखें है। तो कुलदीप यादव है, मिचेल स्टार्क है, देखो मिचेल स्टार्क खरीदा इन्होंने, नट्टू खरीद लिया, मुकेश कुमार खरीद लिया, मोहित शर्मा खरीद लिया, चमीरा खरीद लिया, ऑलराउंडर में देखो अक्षर पटेल खरीद लिया, आशुतोष शर्मा खरीद लिया, समीर रिजवी खरीद लिया है, विपराज खरीद लिया, माधव तिवारी है और मानवत कुमार है, त्रिपुरा जो भी है विजय है, माफ कीजिएगा नाम गलत बोल रहा हूँ अगर मैं, तो दर्शन है और अजय मंडल है, तो देखें इनकी बॉलिंग भी बढ़िया है, बैटिंग भी बढ़िया है, मतलब मेरे को तो टीम अच्छी लग रही है, और देखें समीर रिजवी हो, आशुतोष शर्मा हो, और ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो मतलब नीचा करके अच्छे रन लगा सकते हैं, समीर रिजवी के हालांकि भाव कम हो गए, सीएसके ने जाने दिया उनको, वो छक्के भी लगाते हैं, यूपी से खेले भी हैं, सैयद मुस्ताक में भी पिछली बार अच्छा उनका था, मतलब बाकी देखे बॉलिंग अच्छी है इनकी, नट्टू भी हैं, स्टार्क भी हैं, सब लेफ्ट आर्म है, मुकेश कुमार सारे बॉल डालते हैं, मोहित शर्मा एक्सपीरियंस है, चमीरा भी अच्छी बॉल डालते हैं, बैटिंग भी अच्छी, बस इनके पास में डिफिकल्टी होगी कि मतलब फॉरेन प्लेयर में किसको खिलाएं, तो मतलब क्या लग रहा है, मतलब कि सीएसके के बाद में अगर दिल्ली की हम बात कर रहे हैं तो फिर इस इनकी टीम कैसी लग रही है अगर यहाँ बात करें तो। यार मेरे मतलब क्योंकि मतलब इनकी टीम अच्छी है, मतलब इस बार बॉलिंग पे ज्यादा अच्छा काम किया उन्होंने, तो मतलब जैसे दिल्ली हर बार मेरे सबसे एक एवरेज टीम होती थी, मतलब एक 710 टीम होती थी हमेशा मेरे लिए, तो लेकिन इस बार ये थोड़ा सा पुश करके 8-8.5 तक आ गए।
मेरे हिसाब से तो मतलब जैसे मतलब केएल राहुल इन्होंने अच्छा बाय किया है, केएल राहुल मतलब शायद अगर फॉर्म में आ जाए तो मतलब फिर कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अगर फॉर्म में है तो मतलब वो आपको मतलब 400-500 मतलब रन तो वो हर सीजन मारते ही हैं, पर स्ट्राइक रेट एक उनका क्वेश्चनेबल है, तो इस बार अगर थोड़े ज्यादा स्ट्राइक रेट से अगर मारते हैं तो अच्छे रहेगा इनके लिए। और मतलब इन्होंने कुलदीप यादव को रिटेन किया है, अपना क्या बोलते हैं अक्षर पटेल को रखा है, म्यूट है अनिकेत तेरा, हाँ मतलब मैं बोल रहा था अक्षर को किया है, स्टब्स को किया है, तो ये मतलब अच्छे रिटेंशन करेंगे, अच्छे रिटेंशन अच्छे हैं। और मतलब इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है स्टार्क को खरीद के, तो एक प्रीमियर फ्रंट लाइन बॉलर इनके पास है, तो मतलब बॉलिंग भी इन्होंने ध्यान दिया है, तो ओवरऑल एक बैलेंस टीम है मतलब दिल्ली की। लेकिन स्टिल मतलब मुझे पता नहीं क्यों इसको देख के मतलब ऐसा फील नहीं आता है कि एक मतलब ट्रॉफी विनिंग टीम है, बट ये सीजन क्या मालूम बन जाए ये टीम ऐसी, और मतलब केएल राहुल कुछ कर दे ऐसा, मतलब बन सकती है, लेकिन ऑन पेपर अभी तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब ये ले ही जाएगी, मतलब वैसा 100% श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन अगर बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि मतलब केएल राहुल अच्छा परफॉर्म करते नहीं करते हैं, केएल का ऊपर से सीजन करना बहुत जरूरी है, केएल अगर केएल डुप्लेसी अगर ओपन करते हैं और फिर हैरी ब्रुक अगर आते हैं यहां पे, तो मतलब इनके पास में फायर पावर बैट्समैन तो सब सबके सब हैं, बात मतलब की यहां पे। और एक उन्होंने बहुत अच्छा डिपेंडेबल बैट्समैन लिया है जो मतलब मतलब केएल राहुल के साथ में अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हैं, वो फाफ डुप्लेसी है, तो फाफ मतलब आप देखें अभी लास्ट सीजन नहीं मतलब ही जो सीपीएल वो जीत के आया है, तो अच्छा कैप्टन भी है, तो और अच्छे मतलब हर सीजन में मारता है 400-500, तो वो भी अच्छा बाय है। तो एक मतलब इनकी जो मतलब नॉर्मल सेट हो गई, और उसके बाद आप वन डाउन ये फ्रेजर मैकग्रा को भेज दें जो तेजी से रन मार सकता है, तो ठीक ठाक मतलब टीम हो जाएगा इनका। प्रखर जी का क्या कहना है, प्रखर जी को क्या लग रहा है डीसी की टीम पे? हाँ डीसी की टीम भी मुझे थोड़ी बस बॉलिंग में थोड़ा बैलेंस नहीं है, बाकी तो सही लग रही है डीसी की टीम। बॉलिंग में आपको कमजोर लग रही है? अरे यार नट्टू हैं, मुकेश कुमार हैं, स्टार्क हैं, और ये हैं अपने पास में क्या बोलते हैं मोहित शर्मा है, एक्सपीरियंस बॉलर से इनके पास तो सब भरमा रही है इनके पास, मतलब कम है मतलब कुलदीप यादव के अलावा कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगता है कुछ। अक्षर है फिर अक्षर डालेंगे बस, और क्या फिर अक्षर है फिर हो सकता है डोमेस्टिक वाले डालें, मतलब डोमेस्टिक में कौन क्या डालता है ये इनके ये प्लेयर्स के नाम मालूम नहीं अपने को, इनकी प्रोफाइलिंग मालूम नहीं है ये किस तरीके की, पांच साल लेकिन एक इन्होंने जो प्लेयर लिया जैसे आशुतोष शर्मा ने मतलब वो तो बहुत पंजाब में लास्ट लास्ट ईयर पंजाब के लिए अच्छा किया था, तो मतलब फिनिशिंग में उनके लिए काम कर सकते हैं, वही मैं बोल रहा ना फायर पावर तो है इनके पास, चला के खेल सकते हैं, पावर तो पूरा है सही है, फायर पावर भी पूरा है और एक अच्छे बैलेंस टीम, उन्होंने बोला कि हां दिल्ली की जो पहले की टीम होती थी उससे तो काफी बेटर है, हां उससे तो बेटर है, और मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले आरसीबी की टीम हुआ करती थी, मुझे थोड़ी थोड़ी ऐसी लग रही है इस बार दिल्ली की टीम, हां कुछ कुछ प्लेयर खरीदे भी उन्होंने सबको, मेरे को लगता है मिक्स अप कर लिया है भैया, एलए जिससे भी लिया CSK से भी लिया, RCB से भी लिया, जहां मतलब पंजाब जहां से मेरे हिसाब से भी लिया, बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा इनके कोच के ऊपर और मतलब सपोर्ट स्टाफ के ऊपर कि वो टीम का कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, मतलब कैसे उनकी मतलब अगर मेरे हिसाब से अगर माहौल अच्छा रहा और अगर टीम एक माइंडसेट के साथ खेलेगी तो ये लोग जीत सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा इनको मतलब एक आध सीजन लगेगा साथ में मतलब प्लेयर्स को जेल होने में, और फिर जैसे ही इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो सेकंड सीजन तक ये और बेटर परफॉर्म करेंगे, हां तब ये किसी अच्छे बाय भी कर सकते हैं तो देखते हैं अब ये। इसके अलावा जो अगली टीम अगर हम यहां पे बात करें, अगली टीम है गुजरात टाइटंस, मतलब कि टाइटंस ऊपर दे चुके हैं ये, मतलब कि इसकी स्ट्रेटजी भी यही है, नेहरा जी ने सबको नेट में बुलाया था, नेहरा जी ने बोला कि लेंथ बॉल डाल के बताओ, अच्छा और जिस जिसने लेंथ बॉल डाली है वो सारी नेहरा जी ने खरीद ली, तो आशुबाजी ने वो नहीं बताया कि यार कौन नारियल का जूस पीता है, किसके वो किसके पास कम मतलब एक्सपेंसिव फोन किसके पास नहीं है, कौन व्हाट्सएप कम चलाता है, आशुबाजी का जो इंटरव्यू था, या कौन ब्रेकफास्ट जाता है, कौन चैंपियन है, सबसे पहला ये था कि बॉलर कौन है, बॉलिंग कौन कर सकता है, और दूसरा लेंथ बॉल कौन डाल सकता है, बस अब आप देख लीजिए बॉलर कितने सारे उनके पास। अरे आशुबाजी ने ना छोड़ो यार, मतलब एक प्लेयर का प्रॉपर बैट्समैन सिर्फ 6 हैं आशुबाजी के पास जो प्रॉपर बैट्समैन है, और बाकी बॉलर्स बहुत सारे हैं, और ऑलराउंडर में भी अधिकतर जो आपको दिखेंगे वो बॉलिंग ऑलराउंडर ही दिखेंगे। मैं आशुबाजी का बोल रहा था कि आशुबाजी ने ये तो बोले लेंथ बॉल,
बट अभी मैं एक शख्स का भी नाम लूंगा जैसे उनके साथ में खेले भी हैं, वो जो अभी मतलब कि अपने सर्वे सर्वा हैं बीसीसीआई के, अभी अजीत आगरकर जी, कि उनके वीडियो भी दिखाए होंगे कुछ उन्होंने, कैसी नहीं डालना है कैसी नहीं डालना है एडिलेड में 6 विकेट है उनके, याद रखो आप ये सब बात, कोई बोलने का नहीं। लॉर्ड्स में शतक भी है वो, तो लॉर्ड्स में शतक भी है इनका, सब को नहीं सो लॉर्ड में सोचो यार। तो इनकी टीम बता रहा हूं मैं, ऑल जोक्स असाइड मतलब काफी मतलब उन्होंने बेटर बाइस किए हैं, मतलब गुजरात ने मतलब वो टाइम पास करने तो ऑब्वियसली नहीं आए थे उन्होंने, हां नहीं आए थे और बहुत अच्छी बाइस है, वही मैं बोल रहा था, बता देता हूं मेरे हिसाब से उनकी स्ट्रेटजी ये थी सिंपल कि बोले कि मतलब हमें गन प्लेयर्स चाहिए, तो उन्होंने बोला कि भाई जॉस बटलर उठा लो, कोई टेंशन नहीं है, यही देखो ना इनके पास में शुभमन गिल है, बटलर है, बटलर अच्छा बाय है, अब ये एक और ये प्लेयर रदरफोर्ड, मेरे को इसका मालूम नहीं प्लेयर, ग्लेन फिलिप्स है अच्छा बाय है, मतलब पहले में तो अनफोल्ड ही रहे, फिर उनको खरीदा, कुमार कुशाग्रह ये इनका आइडिया नहीं, मुझे अनुज रावत है ये भी ठीक है, आरसीबी से खेले, जवाब इनके राशिद खान है, उमर सिराज है, यहाँ डीएसपी सिराज भी इनके पास, कगिसो रबाड़ा ये अच्छे बॉलर है, प्रसिद्ध कृष्णा ये अच्छे बॉलर है, कोर्ट्स अच्छे बॉलर है, ईशान शर्मा क्या 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 हाँ ये गेराल्ड कोर्ट्स बहुत ही अच्छे बॉलर है, वो तो बहुत अच्छा बॉलर है ना, और मानव है, कुलवंत जी भी है यहाँ पे, ऑलराउंडर में अगर हम देखें साई सुदर्शन है अच्छा बॉलर है, अच्छा मतलब इनका तो रिटेंशन ही किया हुआ, इनका तो अच्छा प्लेयर है, शाहरुख खान इनके पास, राहुल तिवतिया है, वॉशिंगटन सुंदर है, साई किशोर है, महिपाल लोमरोर है, अरशद खान है, और करीम जन्नत है इनके पास में, जयंत यादव है, निशांत कुंडू है, देखो इनके पास में स्पिन भी इन्होंने जयंत यादव को अच्छा इंट्रोडक्शन किया, करीम जन्नत को भी लाए, ये भी अच्छा प्लेयर है, मतलब अग्रणी संघ के प्लेयर है, सुंदर भी होगा इनके पास में तो वो भी एक ऑप्शन हो गया, और यहाँ पे तिवतिया भी है, फायर हिटर भी है, शाहरुख खान भी नीचे से खेल सकते हैं, लोमरोर भी अच्छा खेल सकते हैं मिडिल ऑर्डर में, तो ओवरऑल टीम तो अच्छी है, मतलब टीम की भी बॉलर ज्यादा भर ली है, मतलब बॉलर टीम ठीक है लेकिन बॉलर हद से ज्यादा है, और अभी भी काफी गैप्स है मेरे हिसाब से, कि मतलब अगर आप एक मतलब ऐसे इंडियन प्रीमियर स्पिनर अगर आपको चाहिए तो वो आपके पास नहीं है, जैसे टीमों के पास में चहल है, राहुल चहर है, और मतलब जैसे कि ऐश अन्ना है, तो जो मतलब टीमों के पास में एकदम प्रीमियर स्पिनर है मतलब जैसे कि, तो वो सिर्फ इनके पास राशिद खान है, तो इन्होंने दूसरे पे ध्यान ही नहीं दिया, इन्होंने बोला कि भाई अगर हमारे पास राशिद खान है तो हमको उसका बैकअप की जरूरत नहीं है, बाकी दूसरा मेरे को लग रहा है ना सुंदर से, राशिद खान से, और ये तिवतिया से, और ये इन प्लेयर से निकाल लेंगे फिर बोल जयंत यादव, मतलब कहीं ना कभी किसी ने इसको खिलाफ लो बॉलिंग में, चलो इनको दिक्कत नहीं आएगी, मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि अगर बटलर या फिर मतलब शुभमन गिल रन नहीं मारते तो फिर कौन रन मारेगा, गिल का तो टी20 का फॉर्म तो अच्छा नहीं है ही ना, मतलब कि अभी तो वो वाइस कप्तान भले ही बना हुआ पर टीम में नहीं है, मतलब उस तरीके से ये दो अगर रन नहीं मारते तो उसके बाद फिर मुझे कोई ऐसा डिपेंडेबल बैट्समैन नहीं दिखता है जो अपने दम पे, अगर उनमें से कोई भी नहीं खड़ा है ना फिर तो भूल जाओ, आपके नीचे के प्लेयर आपको ये दिख रहे हैं कि लोमरोर हैं, अनुज रावत हैं, ये सब भी फीके चावल ही, मतलब कि ये भी वैसे 14 मैचों में अगर दो मैच में चल जाए तो मतलब अगर ये दोनों आउट हो गए तो ये 150-160 की टीम भी नहीं है, मतलब 150-160 मारने में भी इनको पसीना आ जाएगा। हाँ और ये अहमदाबाद में 7 मैच खेलेंगे तो वहां तो सोच लो बड़ा ग्राउंड है वो, तो मेरे हिसाब से तो इनकी फुल सीजन की स्ट्रेटेजी ये है कि भाई पहले बैटिंग ले लो, जितने रन लगे उसके बाद फुल मेहनत करके डिफेंड करो, हाँ ये रोकने में कामयाब हो सकते हैं, तो ये अच्छा देखने को मिलेगा ना, बाकी टीमें मतलब कि वैसे डोमिनेट करेंगी, मतलब कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो मतलब बैटिंग वाइज डोमिनेट करेंगी और ये लोग मतलब कि बॉलिंग वाइज डोमिनेट करेंगे ना फिर, मतलब ऐसा तो ये तो ये इनका प्लान सिंपल मुझे लग रहा है कि भाई पहले बैटिंग करो, जितने रन लग गए तो लग गए और उसके बाद हम डिफेंड कर लेंगे, हाँ वो तो यही सही, पर अब वही है कि वो ऊपर से मतलब कि खेलना पड़ेगा, मतलब मुझे लगता है कि प्लेयर्स का तो प्रखर जी का क्या कहना पड़ रहा है गुजरात के ऊपर, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, इनका इंटरनेट चला गया है ठीक है, मतलब अभी गुजरात से मूव करते, प्रखर जी ने तो पहले बोल ही दिया है कि मतलब इनके जो लेंथ बॉल वगैरह का जो था, मतलब क्या बाजी का आशु बाजी का, क्या आशु बाजी ने बोला, आशु बाजी का ऑक्शन स्ट्रेटजी यही है, ठीक है, अगर अगेन टीम कोलकाता की अगर हम बात करें यहाँ पे, इनकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी पंडित जी, अगर आप थोड़ा प्रकाश डालना चाहे तो बता दें इनकी स्ट्रेटजी भी, इनकी भी एक मेजर स्ट्रेटजी तो है वो ये थी घर वापसी, अच्छा घर वापसी थी इनकी भी, इन्होंने भी घर वापसी की पूरी पूरी कोशिश की है, इन्होंने मतलब जो इनके 5-6 प्लेयर कोर तो इन्होंने रख ही लिए थे, उसके बाद इन्होंने तो मतलब ऐसी घर वापसी की है कि लास्ट सीजन भी नहीं, उन्होंने बोला कि पूरे 8-10 सीजन में, 8-10 सीजन में हमारे लिए कौन कौन खेल चुका है सबको पकड़ के, तो उन्होंने बोला मनीष पांडे हमारे लिए पहले खेला है, बोले उसको मनीष पांडे ने पहले खेला हुआ इनके लिए, तो मनीष पांडे को बुला लो भाई, पहले कौन कौन खेल चुका है, बोले सबको बुला लो कोई दिक्कत नहीं है, जो जो हमारे लिए खेल चुके हैं गुरबास को बुला लो, मनीष पांडे को बुला लो, तो इनका भी और... मतलब मेन यही था कि भाई हमारे जो पहले खेल चुके हैं प्लेयर उनको बुला लो, लेकिन इसमें भी अभी ये है कि जैसे पहले इनके पास
स्टार्क जैसा प्रीमियर फास्ट बॉलर था। तो अभी मतलब इन्होंने हेनरिक नॉर्किया और स्पेंसर जॉनसन और ये सब उसकी जगह लेने की कोशिश की, लेकिन जो स्टार्क की क्वालिटी मुझे नहीं लगता इन सब में है। हेनरिक नॉर्किया मतलब एट मोस्ट टाइम अगर मतलब स्पेस और पेस अच्छा है उनके पास में, लेकिन काफी मतलब रनों के लिए जाते हैं। और स्पेंसर जॉनसन भी एक अच्छा भाई है, लेकिन वो भी मतलब रन ज्यादा खाते हैं। तो हाँ वो भी है इनकी टीम में, देखो इन्होंने इनके पास में बैटर्स अगर देखे रिंकू सिंह है, क्विंटन डिकॉक है, मतलब की है ना, और इनके बाद में रघुवंशी भी हैं, उसके बाद में गुरबाज भी है, गुरबाज अच्छे भाई इन्होंने किए हैं, पोवेल हैं, अजिंक्य रहाणे हैं, मनीष पांडे हैं, सिसोदिया हैं, बॉलर्स में अगर हम देखें वरुण चक्रवर्ती है, नॉर्किया है, जॉनसन है, वैभव अरोरा है, उमरान मलिक को इन्होंने खरीदा अच्छा बोल सकते हैं, बाहर देखने को मिला पहले वो मतलब नहीं बिके थे वो। उसके बाद सबसे बड़ा मुझे कंसर्न ये इसमें है कि पूरी टीम में मुझे कैप्टन ही नहीं पता है, मतलब इसमें किसको। हाँ ये बड़ी चीज है कि मतलब कि अब हर्षित राणा को भी इन्होंने रिटर्न किया था, बट वही देखिए ऑलराउंडर में दिख रहे हैं हमको, वेंकटेश अय्यर दिख रहे हैं, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, मोइन अली और अनुकूल रॉय। तो अब इसमें ऑलराउंडर सबसे ऑलराउंडर में मतलब जो बाकी टीम के ऑलराउंडर अगर आप देखें तो मतलब मेरे हिसाब से जो सबसे मतलब एक बेटर मतलब जो ऑलराउंडर है वो शायद केकेआर के पास में है, मतलब वन ऑफ द बेटर लुकिंग ऑलराउंडर्स। लेकिन फिर भी मतलब मुझे मतलब इस टीम में कैप्टन तो नहीं दिख रहा है अभी तक, आई डोंट नो, मतलब वो मनीष पांडे को बनाते हैं क्योंकि वो सीनियर है, या फिर अजिंक्य रहाणे को बनाते हैं क्योंकि वो भी काफी मैचेस खेल चुके हैं। अगर किसी प्लेयर को उन्होंने इतने पैसे में खरीदा तो फिर वो वेंकी अय्यर के साथ में जाएंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन वेंकी अय्यर मतलब मेरे हिसाब से उन्होंने डोमेस्टिक भी नहीं किया है, मतलब शायद एमपी के लिए भी अभी जो कैप्टन है वो मतलब रजत पाटीदार है शायद, तो एमपी के लिए भी वो करते नहीं है कैप्टनसी। तो पता नहीं अगर मतलब जैसे तो जितना उसको भरोसा दिखाया उन्होंने 23-24 करोड़ ऑलमोस्ट उन्होंने दिया है उसको, तो पता नहीं मतलब। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी केकेआर के स्क्वाड पे तो पूरी बात हमने कर ली है, मतलब कि इनका वो वीकनेस मुझे लग रहा है कि शायद से वो मतलब यही लग रही, मतलब कि इनके इसमें तो कोई कप्तान तो कोई भी नहीं है, तो वो मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब कि कप्तान नहीं है, तो कप्तान के उससे आना चाहिए था, मतलब मेरे हिसाब से कप्तान के मतलब उस पर था इनका कि भैया कप्तान पहले डिसाइड कर लेना चाहिए था, कप्तान को जाने भी दिया, मतलब कि कप्तान जिन्होंने जिताया है मतलब कि उनको भी जाने दिया उन्होंने, तो वो एक चीज थी। और मतलब देखते हैं इनके परफॉर्मेंस कैसे आती है, कैसे निकालते हैं परफॉर्मेंस, वो मतलब कि मेरे को ऐसा लगता रहेगा कि कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं, मतलब क्या होगा इसके अंदर। तो ठीक है, मतलब कि अब अगर दूसरी टीम की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें दूसरी टीम तो उसके बाद दूसरी टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसका है मजाक उड़ाया उनका हमने, अच्छी टीम बना ली मतलब तो वो लखनऊ थी, मतलब मैंने उनको मतलब शायद ही कोई ऑक्शन बैटल हारते हुए देखा है, मतलब जिस मतलब प्लेयर के लिए बिड किया है तो वो मतलब आखिरी तक बिड करते ही गए और मतलब वो लेके ही माने हैं उसको। हाँ तो इनका पहले से ही प्लान था कि हमको यही खरीदना, ये टीम बनानी है, इन्होंने बैकअप कभी किया नहीं, मतलब कभी भी डबल माइंडेड नहीं हुए, जिस प्लेयर के लिए गए तो पूरे मतलब ऑल आउट गए और मतलब डबल माइंडेड नहीं हुए पूरे मतलब उसमें। तो जैसे ऋषभ पंत के लिए उनको पता था कि भाई हमें ऋषभ पंत चाहिए ही चाहिए, तो उनको पता था कि भाई दिल्ली 23-24 करोड़ भी फिर भी दे देगी शायद, उन्होंने मतलब सब लोगों ने 23-24 करोड़ तक का तो और सबने रखा होगा, लेकिन उन्होंने मतलब आउट ऑफ द ब्लू एकदम 27 करोड़ का नंबर दे दिया जो मतलब किसी भी टीम के लिए पॉसिबल होना था, मतलब मुश्किल हो गया था। तो है ना, अरुण जोयल है और ये मैथ्यू इनका पता नहीं, वो हेमंत सिंह है, बोलर्स देखो उनके पास मयंक यादव है, रवि बिश्नोई है, आवेश खान है, आकाशदीप है, मोहसिन खान है ना, समीर जोसेफ है, दिग्विजय सिंह इनका ही पता नहीं मुझे, ऑलराउंडर में देख लो तो अब्दुल समद है, आयुष बडोनी है, मिच मार्श है, शाबाज अहमद की काफी अच्छी बाय है मतलब इनके पास में, तो ये मतलब प्लेयर तो अच्छे बाय किए हैं, मतलब मेरे को लगता है इनकी इन्होंने कोर टीम आने की कोशिश तो करी है यहाँ पे, ये परफॉर्मेंस के साथ देते हैं, ऋषभ पंत को कप्तान के तौर पर लाए ये, तो ऋषभ पंत मतलब कि कैसे क्या करते हैं कप्तानी वो चीज मतलब ये देखने लायक होगी, क्या कहना है इस पे? मतलब ऋषभ पंत मतलब अच्छे प्लेयर है,
लेकिन मतलब कप्तानी में मगर मतलब वैसे तो ठीक ठाक ही कर लेते हैं, और मतलब गेम सेंस भी ठीक है, लेकिन सिर्फ अपनी कप्तानी के दम पे मतलब जिता लेंगे वैसा तो मुश्किल है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो दिल्ली को भी जिता देते। लेकिन थोड़े बहुत मतलब कंसर्न्स है, क्योंकि मतलब एकदम ही बिल्कुल नई टीम है, मतलब इसमें कहीं से कहीं तक मतलब कोर वोर तो कोई उन्होंने रखा नहीं है, मतलब जो पुराने प्लेयर्स हैं तो वो भी ऐसा नहीं है कि जो मतलब उसके एकदम हिस्सा है। मतलब एक ही जो LSG का मेरे हिसाब से फेस था तो वो था मतलब KL राहुल, तो उसी को उन्होंने जाने दिया। तो ऐसी कोई कोर टीम तो यहाँ पे है नहीं, तो टीम बिल्डिंग और मतलब एकदम ही पूरा मतलब शुरू से उन्होंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। और उन्होंने एक मतलब चीज जो मैंने मैंने देखी कि बहुत क्लियर थे कि भाई कोई भी पुराने प्लेयर के लिए वो कभी गए नहीं, जिसको उन्होंने हाँ जाने दिया उन्होंने तो उसके लिए मतलब उन्होंने हाँ ऑप्शन में वो भी बिड नहीं किया। जिसको जाने दिया जिसको रिटर्न नहीं करना था उन्होंने नहीं किया, और मतलब कुछ उस पे उन्होंने मतलब वो बिल्कुल माइंडसेट बना के आए थे अपने को ये करने खरीदने ही मतलब हाँ, प्लेयर। तो फिर भी मेरे एकदम को इनकी क्रिस्टल क्लियर टीम माइंड के साथ में आए थे थोड़ी कि जिसको लेना है उसको लेना है, और मतलब जो पुराने प्लेयर्स हैं वो नहीं चाहिए। फिर भी थोड़ी सी मतलब की टीम ठीक है, मतलब इनके प्लेयर भी फ्रजाइल हैं। अब ये मतलब क्या करते हैं मतलब आगे देखना होगा, बट टीम तो इन्होंने मतलब कि बैटिंग वाइज तो ठीक बना ही है, मतलब कि बाकी अब देखते हैं किस चलता है। इनकी टीम के कुछ अपने स्ट्रेटेजी का कुछ अपने बता ही दिया, हालांकि इनको ऐसा लगता है कुछ ऐसा कुछ तो और तो कुछ नहीं है ना इसके अंदर। नहीं, मेरे हिसाब से तो बस उनकी यही स्ट्रैटेजी थी कि भाई जिसके लिए पैटल उठाना है तो मतलब उसको खरीद के ही मानना है कुछ भी हो जाए। बाकी मुंबई की अगर हम बात करें अगली टीम देखें, इनकी टीम में तो देखें सब सुपरस्टार हैं, सूर्या हैं, रोहित हैं, है ना, हाँ उसके बाद में बुमराह हैं, इनके बाद में ट्रेंट बोल्ट हैं, दीपक चहर हैं, उसके बाद में आप देखें रीस टोपली को भी खरीद लिया इन्होंने, विलियमसन भी खरीदा मतलब ये दूसरे विलियमसन है, और करुण शर्मा खरीदा इन्होंने स्पिनर के तौर पर, अर्जुन तेंदुलकर को खरीद लिया। ऑलराउंडर में देखो तो हार्दिक पांड्या है, तिलक वर्मा हो, नमन धीर है, विल जैक्स अच्छा भाई किया है, सेंटनर भी खरीदा इन्होंने, राजबाबा को भी खरीदा इन्होंने, तो इनके क्या कहना और इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी मतलब इसके अंदर। भाई मतलब मुझे लग रहा है अभी वापस अपने ग्लोरी डेज में रिटर्न कर चुकी है। मतलब सिर्फ स्टार ही और स्टार प्लेयर होते, स्टार प्लेयर थे पूरी टीम भर लो, तो जो पहले वो करते थे मतलब जो पहले स्ट्रेटेजी था इनका, जैसे जो हार्दिक पांड्या ने इनका भी एक बार कोर तो मेंशन किया वापस था। से इकट्ठे हो गया ना, मतलब हाँ ट्रेंट बोल्ट की वापसी से और चेहर मतलब को भी कोर तो इकट्ठा हो गया, मिला लेकिन जैसे मतलब जो है। ग्लोरी डेज थे मतलब पहले मतलब मुंबई इंडियंस की, भाई स्टार प्लेयर सारे इकट्ठे कर लो, तो वो तो ग्लोरी देखो ना डेज शायद इन्होंने इनके इन्होंने यंगस्टर को भी वापस आ मौके गए। दिए, यंगस्टर में देखो तिलक भी आ गया, इन्होंने जाने दिया, ईशान को जाने दिया, अब इनके पास में विकेट कीपर का एक वो था कि विकेट कीपर कौन होगा यहाँ पे, तो वो तो अभी है ही चीज मतलब कि चलो ठीक है, बट इन्होंने फिनिशर के तौर पर मतलब विल जेक्स को भी रख लिया इन्होंने यहाँ पे, स्पिनर के तौर पर मतलब कि सेंटर को भी रख लिया यहाँ पे, उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे जो मतलब कि बॉलर्स में भी देखेंगे इनके पास में दीपक चहर हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, तो मतलब इनके पास में देखेंगे ऐसे कोई मतलब फॉरेन प्लेयर का भी ऐसे कोई ओवरलोड इनका वैसे नहीं होगा, ये आसानी से खिला सकते हैं मतलब नहीं किसी को भी, मतलब राजबाबा को मेरे भी। हिसाब से इन्होंने एक भी हल्का प्लेयर तो खरीदा ही नहीं है, मतलब इन्होंने हाँ सारे ही स्टार प्लेयर खरीदे हैं। मतलब अगर हाँ आप इनकी बिल्कुल 11 बनाने जाओगे तो 11 के 11 स्टार हैं इनके, हाँ सारे और के जो सारे सिंगल स्टार, हैंडेडली मतलब आपको मैच जिता सकते हैं। मतलब अगर सूर्या अरे का दिन सारे है के तो सारे तो इंडिया के कप्तान रह सूर्या आपको चुके हैं मैच मतलब जिता सकता है कप्तान अकेले, अगर रोहित में। शर्मा का दिन है तो वो आपको अकेले मैच जिता सकता है, अगर हाँ जसप्रीत बुमराह का दिन है तो अकेले जिता सकता है रोहित, अगर हार्दिक पांड्या का दिन हो, ट्रेंट बोल्ट का दिन हो, तो मतलब अगर किसी भी दिन किसी का भी दिन है तो वो अपने दम पे ही मैच जिता सकता है आपको। मैं जीता सकता है। हाँ इन्होंने विल जेक्स को भी ऐड कर लिया है, मतलब कि ये अच्छा मतलब कि इन्होंने किया है यहाँ पे। हाँ मतलब वो उस पे वो तो काफी मतलब टॉक्ड व्यवस्था है कि भाई आरसीबी मतलब आकाश अंबानी को उठ के जाना पड़ा आरसीबी मैनेजमेंट के पास में हाथ मिलाने हाँ कि तिलक भाई मतलब बहुत है, बढ़िया, मतलब नमन दीप है, मतलब उन्होंने अच्छे जैसे प्लेयर तो विल आए जैक्स हैं। खरीदा तो हाँ मतलब काफी अच्छे भाई हैं, और मतलब उन्होंने कोर्ट तो पहले रिटेन कर लिया था, तो एक मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब जैसे बोल्ट और दीपक चाहर के आने के बाद तो काफी मतलब एक स्ट्रांग टीम बन गई है इनकी। वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो CSK और मतलब कि मुंबई का वही था कि हमारा उनको कोर इंटेक्ट रखना है और ट्रांजिशन भी हमारा स्मूथ हो सके, और यंगस्टर अब जो चले गए मतलब कि दो प्लेयर से थे तो मतलब कि इनको जाने का अफसोस रहा होगा, पर ठीक है मतलब कि मतलब चले गए तो क्या कर सकते हैं उसमें, बट अब यहाँ पे मुंबई का तो लग ही रहा है मेरे को तो स्ट्रांग टीम भी लग रही है, शायद से इस बार जीतने के भी काबिल हो सकते हैं, मतलब मेरे को तो लग रहा है अगेन पहले हाँ मतलब काफी है चांसेस कि हैं इस बार, मतलब क्योंकि उन्होंने मतलब लास्ट ईयर जो उनकी लास्ट 2-3 सीजन से जो उनकी मतलब प्रॉब्लम थी वो एक अच्छी बॉलिंग थी, तो बॉलिंग पे तो बहुत ज्यादा काम किया है, मतलब ट्रेंट बोल्ट को वापस लाए हैं, ऑब्वियसली बुमराह वही तो है ही वहाँ पे, और दीपक चाहर को भी लिया है वो, मतलब जो कि हाँ मतलब मेरे हिसाब से मुंबई में उनका बॉल काफी अच्छा स्विंग करेगा। वही वही वो, और वो जैसे चेन्नई वाला माहौल है मतलब कि वो तो मतलब, और टीम भी बढ़िया है, और हो सकता है कि वही CSK और मतलब मुंबई का ही देखने को मिले फाइनल हमें। और अगली टीम अगर हम बात यहाँ पे करें तो पंजाब का जो स्क्वाड है, पंजाब की टीम की अगर हम बात करें, पंजाब का क्या लग रहा है, पंजाब के पास इतने ज्यादा पैसे थे, अय्यर को इन्होंने खरीदा इतने महंगे में, कप्तान भी इनको बनाया, तो पंजाब के लिए क्या लग रहा है, पंजाब ने देखेंगे ज्यादा से ज्यादा इन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर भरे हैं,
जैसे मैक्सवेल हो गए हो, उसके बाद में आप देखे जोश इंग्लिश हो गए हो। मेरे हिसाब से मतलब अगर मैं किसी के ऑक्शन से सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ तो मतलब ऑब्वियसली मतलब जैसे आरसीबी के तो काफी मीम बन गए हैं, और जो भी है उनका जो भी मतलब मसला था वो भाग के आए थे माल वाल, वो उनकी दिक्कत है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा जो डिसअपॉइंटेड हूँ वो पंजाब किंग्स के मतलब स्क्वाड से। मतलब इन्होंने क्या पता कि क्या माइंडसेट से आए थे, मतलब इनका मुझे सिस्टम ही समझ नहीं आया, मतलब क्या करना चाह रहे थे ये कोई मतलब प्लानिंग नहीं, कोई विजन नहीं। मतलब हाफ ऑफ द टाइम तो इनका स्ट्रेटेजी ये था कि भाई चेन्नई किस प्लेयर को खरीद रहा है, चेन्नई जिस प्लेयर को खरीद रहा है या मुंबई किस प्लेयर को खरीद रहा है तो उसको खरीदना चालू करो। मतलब सेम मतलब कोई स्ट्रेटेजी नहीं यार इनको, अच्छे से प्लेयर के पीछे जाना चाहिए था। मतलब कि मतलब शमी के पीछे भी जाना चाहिए था इनको, बटलर के पीछे भी जाना चाहिए था इनको, मतलब अच्छी टीम बनानी चाहिए थी। हैरी ब्रुक को भी खरीद सकते थे ये लोग, पर इन्होंने पता नहीं क्या खरीदा क्या नहीं। बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स से खरीद सकते थे और बहुत इनको सस्ते में मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ मतलब क्या ही ये मतलब ये टीम बनाया है मुझे मतलब समझ नहीं। जैसे कि आप अगर आप एमआई देखोगे तो स्टार ही स्टार भरे हुए, वो स्टार में से अगर आप चार पांच स्टार भी अपनी तरफ खींच लेते तो आपकी टीम अच्छी बन जाती। अभी यहाँ पे मतलब ऐसा कोई डिपेंडेबल मुझे ऐसा स्टार दिखता नहीं है जो अपने दम पे आपको चहल को लिया है। चलो ठीक है, चहल स्पिनर में आपको मदद कर देंगे, बाकी आप देखिए श्रेयस अय्यर को लिया है, अय्यर का टी20 टीम में जगह नहीं बन रही है अभी तो। रॉकी फर्ग्यूसन को लिया, पेस धार कम हो गई इनकी, कुलदीप सेन चलो अच्छे बॉलर है, जोश इंग्लिश है कोई भरोसेमंद नहीं है, हरप्रीत बराला है तो ये अच्छे चलो स्पिनर है, वडेला नेहर वडेला है बट ये इनएक्सपीरियंस है, चोनीस है तो उस तरीके का फॉर्म नहीं है, उमर जजई है तो इनका भी कुछ आता है ऐसा पता नहीं है, मैक्सवेल है तो ये तो पता ही है कि उस तरीके से खेलते ही नहीं है, यश ठाकुर है तो ये भी इनएक्सपीरियंस प्लेयर है। तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसपे आप मतलब बोल सकते हो सिंगल हैंडेडली मतलब कि मैच जिता सकता है, कोई सा भी ऐसा प्लेयर नहीं दिख रहा है टीम में, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है इनके पास। मतलब एक प्लेयर ऐसा नहीं है जो मतलब जिसका जिस दिन दिन हो तो वो हमारी टीम को पूरा मैच जिता के ले जाए, मतलब एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है। और प्लस मतलब जैसे श्रेयस अय्यर पे उन्होंने बहुत ज्यादा बैंक किया है, तो मतलब अगर श्रेयस अय्यर इतनी ज्यादा अगर वो मतलब बैंकेबल प्लेयर होते तो कोलकाता उन्हें जाने नहीं देता, तो ये तो सबको पता है। और मतलब श्रेयस अय्यर का वो नहीं है कि मतलब वो बटलर जैसा प्लेयर नहीं है कि भाई आपको मतलब स्ट्राइक रेट भी देता है और 400-500-600 रन भी देगा हर सीजन में। इसमें ये भी है ना कि फिर ओपन कौन करेगा, इसमें प्रभ सिमरन है ओपनर ही नहीं है इनके पास में, ओपन कौन करेगा, इनिंग कौन लेके जाएगा और एंड में फिनिश कौन करेगा, फिर वही है ना मतलब अब ये ओपनिंग स्पेल कौन डालेगा, इसमें ऊपर से बॉल कौन डालेगा, स्पिन कौन डालेगा, आखिरी ओवर कौन डालेगा, डेथ ओवर कौन डालेगा, कोई मतलब प्लान नहीं है, कुछ प्लान नहीं है। ठीक है ऊपर से अर्शदीप डाल देगा तो अर्शदीप आखिर थोड़ी डालेगा, सेकंड कौन डालेगा, सेकंड फिडल कौन होगा, बस जहां से जो मिलता गया बस वो बस उसको पैसा बड़ा बड़ा के लेते गए, क्योंकि और वो रिकी पॉन्टिंग की थी स्ट्रेटजी के भैया इनके वो था मतलब कि वो ऑस्ट्रेलिया मनरेगा टाइप था, मतलब कि इनका कितने आ सकते हैं, वो तो हमेशा होता ही है रिकी पॉन्टिंग की टीम में ऑस्ट्रेलिया का कोटा होता ही है, तो वो तो चलो ठीक है समझ में आता, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने रॉन्ग ऑस्ट्रेलिया को चूज किया। हाँ मतलब ये फ्रेजर वगैरह लेने चाहिए थे, अच्छे अच्छे प्लेयर्स लेने चाहिए था, उसको बुला लो, मिशेल स्टार्क को बुला लो, वही ना आपको बॉलर अगर आपको सही साथ चाहिए भाई, साथ में अगर आप यार आपने डेविड वॉर्नर को जाने दिया यार, वॉर्नर को आप खरीद लेते ओपन तो कर देता वो 400 रन तो मार देता वो सीजन में कम से कम, डेविड वॉर्नर को आपने लिंक लिया बढ़िया आपके लिए, वो मतलब दो आपकी टीम में अगर बता दूं आपकी टीम अगर गलती से भी कहीं भी पहुंच गई ना प्लेऑफ वगैरह में, इन प्लेयर के पास में एक्सपीरियंस नहीं है कि मतलब कि फिर वो है ना मतलब मैच निकाल सके, वॉर्नर के पास में एक्सपीरियंस था मतलब वो डरता तो नहीं भाई मारता वो तो रन वन, वही तो वही तो प्लेयर चाहिए थे इनको डिपेंडेबल प्लेयर। अगर जैसे स्टार को आप खरीदते तो वो चैंपियन बॉलर है, उसको पता है कि टूर्नामेंट कैसे जीता जाता है, अगर आप गलती से भी लीग टॉस करके वहां पहुंचते तो वो आपको वहां पे उसका एक्सपीरियंस काम आता। डेविड वॉर्नर ऐसा प्लेयर है जिसका एक्सपीरियंस उन मैचेस में काम आता। हालांकि इन्होंने मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल लिए हैं, बट ग्लेन मैक्सवेल का भी मतलब ये रीसेंट परफॉर्मेंस उतना मार्कस स्टोइनिस भी मतलब ऐसा है कि वो मतलब 12 में से मेरे हिसाब से मुश्किल से 2 या 3 मैच में चलता है, बस 2 मैच है उसके, बस 2 मैच है, वो भी कोई खराब सी टीम हो जिसका खराब सा फॉर्म लगा हुआ हो, जिसे खराब से बॉलर खराब से बॉलिंग कर रहे हो तो बस वो वहां पे चल जाएगा, और उसमें भी उसका ये चाहिए था स्टेट सेट चाहिए रहता उसको कि बस कभी कैसे मारना है क्या करना क्या नहीं करना। एक युजवेंद्र चहल मुझे लग रहा है जो इनका स्मार्ट बाय है और ठीक ठाक बाय है, उस पे मुझे भरोसा है कि वो थोड़ा ठीक है, पर फिर मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ऐसे तो देखो ऐसे तो प्लेयर प्लेयर भी हैं मतलब और अर्शुपाजी भी हैं और ये चहल भी हैं, पर इनको सेकंड कौन करेगा, मतलब इनके साथ कौन देगा, वो वाली चीज है ना, मतलब कि अब इनके पास में तो ऐसा स्टार प्लेयर भी था, शिक्कीबाजी भी थे, वो भी अब पार्टनरशिप नहीं है, मतलब पार्टनरशिप के लिए कोई नहीं है। जैसे कि अगर मतलब जैसे कि मुंबई में आप देखो तो बुमराह के साथ में बोल्ट भी है और मतलब दीपक चार भी है जो पार्टनरशिप करेगा, इधर से अगर वो स्पिनर आता है मतलब सेंटर आता है तो यहाँ पे करुण को भी
मतलब वो उसको भी लिया है, मतलब कि करण शर्मा को भी लिया है, मतलब किसी ना किसी को तो रखा ही है ना उन्होंने, मतलब ऐसा कि हाँ यार ये उसको मतलब वो कर रहे हैं कि हाँ भाई उसको असिस्ट प्रोवाइड करे, मतलब बोलते हैं ना फुटबॉल में ऐसी चीज हो गई, वो चीज कुछ भी नहीं है में। अब मतलब अगर मान लो मिडिल में सूर्या है तो सूर्या को सपोर्ट देने के लिए तिलक वर्मा है, खेल सकता तिलक वर्मा है, है। फिर नीचे इनके पास में देखें मतलब कि वडेरा भी है उनके पास में, हार्दिक पुण्या खुद भी है, उसके अंदर विल जेक्स भी है। अब इनके पास में फिनिशर के तौर पर कौन है, इनके पास में अच्छा खासा, अच्छा सुशांत सिंह है चलो ठीक है, पर उसको कम्प्लीमेंट करने के लिए आशुतोष था पिछले सीजन में, सुझाने दिया मतलब कि हमने रिटेन भी नहीं किया किसी को, तो वो भी एक चीज थी। और अर्शु के पास साथ में मतलब शमी को करना चाहिए था कि भैया हाँ एक और बॉलर हो, तो वो भी नहीं है, मतलब कि वो भी एक चीज है, तो वो भी एक कंसर्निंग है इनके लिए, तो क्या कहना है। हाँ मुश्किल तो है देखो इनके लिए, मतलब मेरे तो, मैंने तो जैसे बता दिया कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग मतलब इन्हीं लोगों का ऑप्शन है। मेरे तो मतलब ना कोई स्ट्रेटेजी समझ में आई इनकी और ना क्या करना चाह रहे थे। हाँ बस एक ही चीज़ मैंने जो नोटिस की ये था कि भाई यहाँ CSK किसके लिए पेडल ऊपर कर रही है, उसके लिए ऊपर कर दो, बस उस पर चले जाओ ठीक है। मतलब पांच बार ट्रॉफी किसने जीती है, मुंबई ने जीती है, तो अभी तो ये है कि ये तो ये बात हो गई, जैसे पहला सीजन राजस्थान का था ना कि वैसे जा सकता है, जिसमें इसमें कुलदीप सेन है, यश ठाकुर हैं, और ये मतलब इन्होंने विष्णु विनोद और इनके नाम मैंने सुने विजय कुमार के, कि ये डोमेस्टिक में अच्छा खेले हैं, तो ये अगर कुछ कर जाए मतलब कि ये सारे प्लेयर्स कुछ अच्छा कर जाए, तो फिर आप बोल सकते हो कि हाँ भैया ये लोकी अगर किसी मैच में कुछ कर जाए अच्छा खेल जाए, शशांक कहीं अच्छा खेल जाए, तो राजस्थान फिर के वो पहले सीजन में खिलाने के लिए उनके पास एक स्टार वो भी था ना कैप्टन शेन वॉन, हाँ वही बात है, इन्होंने बस इनके पास कप्तानी वो में कहाँ मतलब है। अय्यर को खरीद लिया कि हाँ इनको लगा कि केकेआर को जीता है, बट केकेआर की जीत में और भी बहुत सारे लोग थे, मतलब सिर्फ अय्यर कहीं नहीं था, अय्यर अगर इतने अच्छे होते तो अरे भी T20 में केकेआर होता का रीजन जो है वो बॉलिंग था ना वो। हाँ उनके, आप देखो 10-12 ओवर तो एकदम मतलब नारायण ने अपने 4 ओवर बिल्कुल स्ट्रांग डालने हैं, नारायण वरुण हुआ चक्रवर्ती ने सूर्यवर्ती डालने हैं, हुआ और वो सुयश भी था, सुयश शर्मा। सूर्यश था उनका, तो ये 10-12 ओवर तो उनके बिल्कुल एकदम सॉलिड ओवर थे। अब क्या बोलो यार, मतलब पता नहीं क्या ही बाय किया क्या ही किया है, ये तो देखते हैं अपन। चलो अगली टीम पे अगर चलते हैं, मतलब अगली एक और टीम जिसने रिटेंशन में तो जो फकअप किए थे, बट अब देखें यहाँ पे राजस्थान की टीम में संजू हैं, जायसवाल हैं, ध्रुव जुरेल हैं, हेटमायर हैं, वैभव सूर्यवंशी, शुभम दुबे रखे, शिवम दुबे माफी देगा, कुणाल हैं बॉलर में, देखें आर्चर को उन्होंने रखा है, पता नहीं इंजरी हो इंजरी प्रोन है, हसरंगा को रखा है, हसरंगा स्पिन कर पाए नहीं कर पाए क्योंकि अभी उनका फॉर्म ऐसा नहीं है, तीक्ष्ण ही अच्छे पाए, संदीप शर्मा तो अच्छे प्लेयर ही सी, फजल अक फारूकी भी लिए इन्होंने, उसके बाद में आप बोल सकते हैं कि मडवाल भी हैं, आकाश मडवाल अच्छे हैं चलो ठीक है, ऑलराउंडर में देखें इनके पास तीन ही, मतलब रियान पराग, नीतीश राणा है और युद्धवीर सिंह है, मतलब कि तो क्या लग रहा है मतलब कि इसमें इनकी टीम, मतलब मेरे को लग रहा है मतलब इनका भी ऑप्शन वैसा मतलब मैं नहीं तो है। सबसे ज्यादा जो डिसअपॉइंटेड था सबसे पहले तो मतलब इनके मतलब रिटेंशन से ही था, मतलब रिटेंशन हाँ इनका कहीं पे मतलब कुछ था नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आया उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी। क्योंकि मतलब मेरी टीम में अगर जॉस बटलर हो तो मैं एनी डे उसको मतलब रिटेन करूंगा किसी भी हालत में। हाँ और बोल्ड भी हो यार, मतलब कि बोल्ड मतलब ये हाँ हेडमायर के ऊपर थोड़ा मतलब डिपेंडेंस बोल्ड ना है, हाँ मतलब हेडमायर की जगह में मतलब उसको ही करता हो, और आपके पास में हेड। कुलदीप सेन जैसा एक अच्छा बॉलर था जो मतलब कि यंग बॉलर है जो विकेट भी लेकर के देता है आपको, आपने उसको भी जाने दिया, आपने चहल को भी जाने दिया, अपने अश्विन को भी जाने दिया, पता नहीं आपने पूरी टीम ही खाली कर दी अपनी, तो अब नए वही प्लेयर तो आप लाए मतलब हो, जैसे, डिपेंडेंसी इनके पीछे नहीं कुछ भी तो डिपेंडेंसी। मतलब जैसे जो स्टार प्लेयर इन्होंने इकट्ठे किए, मतलब जैसे कि जो MI ने काम किया वो ही काम ये भी कर सकते थे। मतलब हाँ आपने ध्रुव जुरेल को रिटेन किया, ध्रुव जुरेल की जगह आपको चहल को रोकना चाहिए था, हाँ ठीक है। आपने शिमरन हेटमायर को रिटेन किया, उसकी जगह में एनी डे मतलब जॉस बटलर को अरे रोक फिर दिया। आप इन प्लेयर को ध्रुव जुरेल वगैरह को इन लोगों को आप ऑप्शन में खरीद लेते हैं, कौन देता है हाँ पीछे, मतलब ज्यादा कोई इतना भक्ता भी नहीं है ना, ये हाँ भी एक मतलब आप चीज थी। इनको आराम से खरीद सकते थे। इवन मैं तो कहता हूँ कि अगर आप मतलब रियान पराग भी छोड़ देते, अगर वो थोड़ा महंगा ही पड़ता चलता, लेकिन रियान पराग से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर है ट्रेंट बोल्ट। हाँ अब क्या मालूम कितना ही क्या करा राजस्थान की टीम ने, तो अब बताओ ट्रेंट राजस्थान बोल्ट की ने टीम इतना को। बड़ा आपके लिए मतलब गैप छोड़ दिया है कि उसके वो गैप भी फिल करने के लिए आपको एक इंजर्ड प्लेयर जोफ्रा आर्चर लाना पड़ रहा है, हाँ जिसका कोई भरोसा नहीं है मतलब कितने आपको मैच देगा क्या है। वो बात भी है, अब चलो ठीक है, मतलब राजस्थान से तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हम हो ही चुके हैं, तो अब ज्यादा बात करना बनती नहीं है, मतलब कि इनकी और इनकी टीम भी ऐसे कुछ हैसियत मुझे कुछ लगी नहीं है, कि पता नहीं अभी सीजन में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये शुरुआत में तो अच्छा खेलते बाद में चल करके, अब ये हो सकता है कि इनके लिए मतलब कि ये आर्चर अच्छे मैचेस निकाल जाए, आर्चर अच्छा खेले, बट वो इंजरी प्रोन है, वो कितना खेलता है कितना नहीं खेलता है वो है, स्पिनर इन्होंने असरंगा को लिया है चलो ठीक है, मतलब अब ये भी कितना खेलते करते हैं क्या है, तो वही चीज मतलब इनके पास में भी अब बोलेंगे चलो ठीक है, मतलब ओपनिंग पोजिशन ठीक है इनके पास में, बीच में कौन खेलेगा, मतलब बीच में नीतीश राणा ही खेलेंगे, ध्रुव जुरेल खेलेंगे,
बट फिनिश कौन करेगा, हेटी के ऊपर आप इतना भरोसा जताओगे, और रियान पर आगे मतलब फिर इनके पास में, तो वो भी फिर आपको मुश्किलात देखने को मिलेगी मुझे लगता है। बाकी अगर अगली बात हम करें बेंगलोर की, सबसे ज्यादा मीम्स उनके ऊपर बने हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं को बोला गया, क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है, मतलब इन्होंने विराट कोहली है, फिल्स वॉल्ट, रजत पाटीदार हैं, जितेश शर्मा है, पडिकल है इनके पास में, बॉलिंग में हिजलवुड को लिया, पता नहीं हिजलवुड को क्यों नहीं आई है, भुवनेश्वर कुमार को लिया इतने ज्यादा पैसे लेकर के देखा, भुवनेश्वर कुमार का इतना ज्यादा पैसा देकर के निलाना नहीं बनता था, यश दयाल को लिया, श्रेयस शर्मा को लिया, श्रेयस अच्छी बात है, उनकी एंगडी को लिया है, अभी उनका पता नहीं क्या फॉर्म है क्या है, ये कुछ भी पता नहीं है अपने को, ऑलराउंडर में देखे लिया लिविंगस्टन है, गुरान पांड्या को लिया है, क्या पता नहीं क्या बाय करा, टीम डेविड को लिया है, जेकब को लिया है, उसके बाद में रोमेलू शेपर्ड को लिया है ये लोग, तो इनकी टीम क्या लग रही है, मतलब कुछ कुछ प्लेयर तो मैं बता सकता हूँ, कोई हेजलवुड को फालतू बाय किया है इन्होंने, लुंगी एंगडी को फालतू बाय किया है, भुवनेश्वर कुमार को फालतू बाय किया है, कृणाल पांड्या को फालतू बाय किया है इन्होंने, और फिर भगवान जाने अब इनका क्या हिसाब है क्या नहीं है, जितेश शर्मा को इतने सारे पैसे दे दिए, किसी रंग के कीपर के पीछे गए नहीं, मतलब की क्या लग रहा है आरसीबी का, मतलब की आरसीबी का वही हर साल की तरह अगले साल कप नाम दे, अगले साल ही कप नाम दे, अगले साल भी यही जपते रहे कि कप नाम दे, क्योंकि ई साला तो हो नहीं पाएगा, ई साला फिर से मुश्किल है, कप नाम दे लग रहा है, ई साला तो प्लेऑफ भी मुश्किल है इनका, अब ठीक है मतलब कि ये मतलब कि पहुंचे तो फिर अपना ऑब्वियसली वायरल होने पता लग रहा है, मुझे थोड़ा सा लगा था कि इस बार मतलब ऑब्वियसली आरसीबी ने थोड़ी कोशिश की, मतलब कि हर साल वो लोग भी यही करते थे कि भाई स्टार प्लेयर्स के पीछे भागते थे और फिर उसका टीम क्वालिफाई करने में बहुत मुश्किल होती थी, फिर फाइनल में जाके हार जाते थे, तो इस बार थोड़ा उन्होंने अप्रोच चेंज करी, लेकिन कुछ जो स्टार प्लेयर थे वो मतलब मेरे हिसाब से काफी ज्यादा डिपेंडेबल थे, मतलब इवन अगर आप सिर्फ मतलब अगर देखने जाओ मतलब जॉस बटलर उनके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन था, हाँ यार बटलर को खरीदना चाहिए था, ईशान किशन को खरीद सकते थे, मतलब फायर पावर, आप चहल को वापस लेके नहीं आए, चहल को मतलब इतना एक्सपीरियंस है यहाँ पे रहने का, और मेरे हिसाब से मतलब टीम सबसे ज्यादा जो जीतती है वो मोटिवेशन से जीतती है, आप मतलब सिराज को कैसे जाने दे सकते, हाँ यार मतलब इतना एक प्लेयर ने आपके लिए इतना कुछ किया, और डीएसपी सिराज ने वो ऐसा प्लेयर था जो आपके लिए ब्लड स्वेट आपका एफर्ट सब कुछ मतलब 200% एफर्ट डालता था आरसीबी के लिए, 200% भी आप हां ऐसे प्लेयर भी अगर आप जाने दोगे तो फिर जीतना मुश्किल है, यार बहुत मतलब डिसअपॉइंटमेंट वाली मतलब बात है यहां पे, तो ये मतलब कि और इस साल भी मुझे मतलब जैसे कि हर साल का जैसे उनका कंसर्न होता है, इस साल भी मुझे बॉलिंग इतनी कोई खास लग नहीं रही है, मतलब बॉलिंग तो माड़ी है, जॉस हेजलवुड भले ही आपने ले लिया है लेकिन जॉस हेजलवुड नहीं, हेजलवुड तो नहीं है यार, बोलर यार मतलब टी20 का आप कहां, हेजलवुड का भी कुमार मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर है, मतलब उसका प्राइम प्राइम निकल चुका है, तो मतलब इन्होंने पता नहीं उसको क्यों रखा है, रासिक सलाम अच्छा बॉलर है, कितने पैसे दे दिए इन्होंने, हां रासिक सलाम एक अच्छा ठीक ठाक बॉलर है जो मतलब काफी तेज तेज मुझसे फेंकता है स्पेसर, लेकिन अभी भी इनएक्सपीरियंस्ड है, यश दयाल को तो हमने सबने देखा ही है कि कितने रन खाए हैं उन्होंने, एंगडी के कुछ आते पते है नहीं कि भैया क्या बोल डाल रहे हैं क्या खेल रहे हैं, फिर तुमको देखो यश शर्मा ने लास्ट सीजन कुछ अच्छा परफॉर्म किया था, मतलब बॉलिंग के लिए स्पिनर वही किया इन्होंने, बस फिर वो स्पिनर भी वो कम खेलने की, लेकिन अब वही बात है कि चिन्ना मतलब कोलकाता में और चिन्ना स्वामी में बहुत अंतर है जमीन आसमान का, तो चिन्ना स्वामी में कैसी बॉलिंग करते हैं, और वहां पे उनके पास मतलब सूर्य शर्मा के पास कवर था, वहां पे एक एंड साहब के लिए नारायण डाल रहा था, एक एंड साहब के लिए वरुण चक्रवर्ती बॉल डाल रहा था, तो वहां पे कवर था, यहाँ पे कवर है नहीं, यहाँ पे इनको फ्रंट लाइन स्पिनर बन के बॉलिंग करनी पड़ेगी, तो फिर यहाँ दबाव में वो कैसा परफॉर्म करता है वो भी देखना है, ठीक है प्रखर भाई वापस आ गए हैं, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे, तो क्या कहना पड़ रहा है आरसीबी की टीम के, मतलब हमको तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया, आरसीबी हो राजस्थान हो पंजाब हो, मतलब इन्होंने काफी डिसअपॉइंट किया, मतलब हमको तो पर्स के हिसाब से काफी डिसअपॉइंटेड किया, क्योंकि आरसीबी के पास भी बहुत अच्छे चांसेस थे कि अच्छे प्लेयर को ले सकते थे वो, लेकिन अब पता नहीं वो किस माइंडसेट से आए थे किस चाहे थे आप बताओ, आप सपोर्ट करते हो तो जो जो मुंबई ने निकाला वो उन्होंने रख लिया है टीम डेविड, विल जैक्स को रखने का इनके पास आरटीएम करने का कितना अच्छा मौका था, अरे विल जैक्स ने भी आया था, मोहम्मद सिराज भी कितना अच्छा ऑप्शन था आरटीएम के लिए, लेकिन उनको जाने दिया, विल जैक्स को जाने दिया, ठीक है वो उसकी जगह टिम डेविड को ले लिया, अरे आप तो मेरे को ये बताओ, ये इन्होंने भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड को खरीदा है इन्होंने, इन दोनों की टांगे ऐसी हैं कि ये पूरा इस पे लगा पाएंगे शुरुआत का ऊपर का,
दिक्कत ये है कि आरसीबी की कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, उनके पास आरसी थी, आरसी थी रॉयल चैलेंज, रॉयल चैलेंज। अच्छा उन्होंने चैलेंज लिया, इस बार भी चैलेंज लेकर के देखते हैं मतलब क्या। इस बार टीम आरसीबी ने नहीं बनाई, इस बार टीम आरसी ने बनाई है। अरे यार मतलब बहुत डिसअपॉइंट किया है। चलो मैं आपसे आपसे भी एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेता हूँ, पंजाब का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेता हूँ, पंजाब के उसमें भी नहीं थे हम लोग। देखिए 2 मिनट में आपको, जैसे अब हमने टीम हमारे पास है तो मैं बताता हूँ आपको। चलो विराट कोहली, एक फिल सॉल्ट मुझे थोड़ा सही लगा, हाँ ठीक भाई फिल सॉल्ट ठीक भाई, पाटीदार को रिटेंशन में ठीक रजत पाटीदार को तो आपने रिटेंशन कर लिया ठीक है। अब ये जितेश शर्मा G20 प्लेयर से मुझे 11 करोड़ रुपए, वो कीपर के लिए इतने, मुझे इतने डिस्ट्रक्टिव प्लेयर तो नहीं लगते जितेश शर्मा, लेकिन ठीक है इंडियन है तो आप खिला सकते हो उनको, ठीक है चलिए। देवदत्त पडिक्कल, पडिक्कल तो पहले अनसोल्ड गए, फिर जाके उनको किसी ने खरीदा और पूरा, हाँ अनफॉर्म ही चल रहे हैं, फॉर्म में भी नहीं है। उसके बाद स्वस्तिक, इनको तो नहीं जानते हम। और बाकी आप बॉलिंग में देखेंगे तो जॉश हेजलवुड ठीक है, अच्छा बाय है ठीक है। भुवनेश्वर कुमार, ये तो आप बता सकते हैं भूवी जी के बारे में, भूवी जी ठीक है के सब बारे में आया। मैं देख रहा हूँ, भूवी जी तो हाथ जोड़े हैं, और मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि वो जो है कमेंट्री वोमेंट्री करें। देखो यार मतलब मैं सही बताऊँ ना, किसी को लगेगा डिसअपॉइंटमेंट है या फिर मतलब डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो आप, बट मतलब मैं सही बताऊँ ना, ऐसे प्लेयर्स को जिनको आपने अपने मतलब प्राइम पे खेलते हुए देखा हो और जिनको डोमिनेट करते हुए देखा हो ना, फिर जब उनका इस तरीके का नीचे फॉर्म लगा रहता है ना, तो आपको बर्दाश्त नहीं होता है क्या यार, मतलब ये बुरा प्लेयर क्यों लगता है इस यार, दिल से बुरा लगता है। दिल से बुरा लगता है वाला हिसाब है मतलब इन लोगों के लिए, कि यार भुवनेश्वर कुमार को हमने वो देखा हुआ है कि पाकिस्तान की उसने स्थिति कर रखी है। मतलब जब लोग आमिर का स्पेल निकालते हैं ना कि देखो आमिर ने हमारे इतने आउट किए हैं एशिया कप में, किया हुआ ये किया वो क्या, तो हमारे पास नहीं भुवनेश्वर कुमार का स्पेल रहता है। भुवनेश्वर कुमार ने जो मतलब बॉल बात डाली है टेस्ट क्रिकेट में, डाली जो ऑस्ट्रेलिया में बॉल डाली है, बट वो प्लेयर को, और फिर आप उस प्लेयर को अपने 10.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया, मतलब आप कुछ तो दिमाग लगाओ। जितेश शर्मा को आप 11 करोड़ रुपए में लिया है आपने, आप ईशान किशन के पीछे चले जाते हैं यार, मतलब बटर के पीछे चले जाते हैं आप लोग मतलब, और आपको और बॉलिंग में मतलब का कोई ना तो लेना चाहिए था। आरसीबी को आपने देखा है, मतलब वेंकटेश अय्यर के पीछे 20 करोड़ 22 करोड़ तक गएंगे। हाँ मतलब वेंकटेश अय्यर को 22 करोड़ देने को तैयार हो, जॉस बटलर को लिए आपने बिड भी नहीं किया। हाँ हाँ बताओ फिर, बिड भी नहीं किया आपने, ऋषभ पंत के लिए नहीं गया। कहीं नहीं गए आप बस। अब मैं छोड़ो, अब मैं क्या बोलूँ, अब आप केएल राहुल के पीछे नहीं गए यार, मतलब हाँ केएल राहुल अरे को तो कम ही बोल रहे थे केएल राहुल ना, तो सबसे ज्यादा सेंस बनता था इस केएल टीम में, मतलब राहुल, हाँ इनका केएल इतना राहुल के लिए नहीं गए। फिर और बॉलर में भी इनको आपने लुंगी लुंगी ले लिया, उनका भी ले लिया आपने, उनका भी सिंगल पॉइंट स्ट्रेटेजी था कि लानत कौन फिरवा सकता है, उसको बस ले ये नहीं, इनका तो लिया। ये रहता गालियां कौन खा लेगा, तो बस वो पहले ही पूछ लेते हैं कि आप मतलब आपको रखेंगे आप गाली खा लोगे क्या अब, हार क्योंकि हारेगा कोई तो लेगा हिसाब किताब। और फिर ये है कि उसने विराट कोहली बोला भी कि तो भाई चाहते कौन मुंबई में जा सबसे सकते बड़ा हैं लानती कौन इंडिया है, बोले कौन लानती है जिसने तुम्हें बहुत पैसा खाया लेकिन कुछ भी नहीं बनाया, बोले टीम प्लेयर, बोले इधर के बुलाओ उसको, इधर इधर बुलाओ। एलएजी में कौन लानती बुलाओ है, कुणाल पंड्या इधर इधर बुलाओ। बुलाओ। अरे राजस्थान में कौन पंजाब लानती को था, लियाम लिविंगस्टन, हाँ पडिकल, पडिकल पडिकल बुला लो, लियाम बुला लो, लियाम लिविंगस्टन बुला लो। अरे यार, अरे यार ये वेस्ट जितेश इंडीज पे लानत किसकी है, शर्मा वेस्ट इंडीज पे लानत किसकी, रोमारियो शेफर्ड ले रोमारियो ले शेफर्ड ले आ आ जाओ। जाओ, कितना बड़ा लानती है रोमारियो शेफर्ड, कितना बड़ा लानती, कुछ भी नहीं किया उसने, कुछ भी नहीं किया वो। कुछ भी नहीं किया इन्होंने, याद आया हाँ क्या पता लेजेंडरी क्या स्कीम सोच थी के इनने, क्या आरसी के कितने क्वार्टर मारे थे उस दिन यार, बहुत गुस्सा आती है यार इन पर। टिम वो। अरे यार डेविड ले लिया, मतलब कुणाल पंड्या ले लिया, अबे कुणाल पंड्या क्या करेगा, क्या करेगा कुणाल पंड्या। कृणाल पांड्या तो लड़ेगा झगड़ेगा, कृणाल पांड्या का भी वो है देखो, इसने एलएचजी में ये जितना ऑर्डर इनके डिमांड थे ऑप्शन उसने। से अरे अच्छे तो इनके रिटेंशन है यार, रिटेंशन अच्छे कृणाल हैं इनके पांड्या तो। का, कृणाल पांड्या का यहाँ पे भी किसी के साथ बीटी है, यहाँ पे भी कोई ऐसा प्लेयर है डोमेस्टिक का जो है ना, मतलब जिसने कृणाल पांड्या को जिसको बोला था ये ये कप्तान था स्वस्तिक ना चिकारा जिसको, से हाँ पंजाब शिकारा से पलटा है से, इसका, शिकारा बेटा शिकारा करेगा, आपके उसको बोलते थे तू नहीं शिकारा से करेगा पलटा है बीटी, इसका। हाँ शिकारा यहाँ भी फड्डा है इसका, सबसे तो बीटी ले रखी है कि इसने, तो शिकारा से भाई नहीं, शायद मतलब ये सुयश शर्मा आपने से, सुयेश सॉरी सुयश शर्मा से फट्टा है इसका, सुयश शर्मा जो शर्मा से स्पिनर है फड्डा है इनका, इसका, हाँ तो हाँ जिससे सुयश भी शर्मा है से उनको फट्टा प्लेयर का नाम जानने था, बट ये प्लेयर की शक्ल है। देखो आपके, मतलब ये भाई ये आदमी के बाल सफेद करा देगी ये टीम में, सही बता रहा हूँ नहीं, भाई, इस आदमी को इतना टेंशन देंगे, ये इसको हरा मुझे के शायद फेयरवेल स्वास्तिक, देंगे, शायद ये स्वास्तिक हरा से के मेरे को फेयरवेल देंगे।
स्वास्तिक से हो सकता है इसका फड्डा, सूर्य शेफ स्वास्तिक दोनों में से एक से फड्डा है इसका स्वास्तिक। हां किसी तो फड्डा है मतलब इसका कुणाल पांड्या का। बट ये तो बिल्कुल सही बात बोली ब्रैकेट ने कि जितने जितनी टीमों को जो जो लानती थी ना वो मतलब आप तो बोल रहे थे ना सीएसके का सुधार कर आएगा वो इनका कुछ मतलब ऐसा आएगा। ये बिगाड़ते हैं ना वॉटसन को इसने बिगाड़ा, केएल राहुल को इसने बिगाड़ा, इन्होंने स्ट्रेटजी भी करी सीएसके का सुधार केंद्र, सुधार केंद्र ने खोला लेकिन इनके सुधार केंद्र पर सुधार नहीं हो पाएगा। इन्होंने कहा कि और आपके बिगड़े हुए हमको और दे दो हम और बिगाड़ेंगे। इन्होंने बोला कि भाई एक एक ओवर में पांच छक्के कौन खा सकता आखिरी ओवर में, तो ना लिया दयाल इसको तो रिटेन दयाल आन दो इसको तो रिटेन करो रिटेन करो उसको रिटेन करो। अरे यार हेजलवुड हेजलवुड तो अभी टांग करके बैठा अपनी इंजरी, वो कह रहे पेट कमिंस उसका फड्डा चल रहा है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, वहां पे उसको खिलाया नहीं उस मैच में भी है। और बाकी प्लेयर ऐसे हैं उनके कि भाई अभी तक जीवन में किसने क्या है मतलब किसने नहीं उखाड़ा कुछ भी, बोले बोले कि हाँ रसिक सलाम तुमने कुछ नहीं उखाड़ा है, तुम आज स्वप्निल सिंह कुछ नहीं उखाड़ा इधर आ जाओ, मनोज भांडे के तुम कौन हो तुम्हारा तो नाम पहली बार सुना, ये मोहित राठी कौन है ये तो मेरा अकाउंटेंट है तुम आ जाओ। ये नुआन कौन ये भी बता दिया अपने को, और ये स्वप्निल सिंह मनोज ये अपने कुछ भी नहीं पता भाई इनकी टीम भाई, ये मतलब विराट और इनका कप्तान ही को डिसाइडेड नहीं, कप्तान कौन होगा इनका मेरे को बताओ यार आप, कप्तान अगर विराट कोहली नहीं है विराट कोहली नहीं है तो फिर कौन है? ये है ना यार सब इतना अच्छा प्लेयर रोमारियो शेफर्ड ये करेगा कप्तान ही यार रोमारियो शेफर्ड को लिया तो है उन्होंने, नहीं 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 उसको एक्सपीरियंस है ना कृणाल पांड्या को एक दो मैच का एक्सपीरियंस है एलएसजी में, कृणाल का एक्सपीरियंस एलएसजी में भी कृणाल रहेगा, कृणाल कृणाल तो अपनी टीम में लड़ाई कर लेगा विराट कोहली से लड़ाई कर लेगा वो तो। इन्होंने ना दो चीजें देखी है, मैच हारने के बाद में गाली कौन खा सकता है ऑनलाइन, ट्रोलिंग कौन बर्दाश्त कर सकता है जो अपने ऊपर ले ले जिम्मेदारी, और दूसरा ये है कि जब भी विराट कोहली का फड्डा पड़ जाए जैसे एलएसजी हो जैसे सीएसके हो तो चार पांच तगड़े देख लो बाउंसर टाइप प्लेयर कोई दिख रहा है क्या, या ऐसे जो विराट भैया को रोक सके या कुछ ऐसा कर सके, बस मतलब यार बॉलिंग भी माड़ी जेही हैगी इन आदि तो बस मतलब 2000 सीजन तो मतलब ऐसा था कि इनके पास स्टार प्लेयर होते थे लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाते थे तो विराट कोहली के कंधे पाया जाता था, हां सीजन तो कंधे ही नहीं विराट कोहली का है इस सीजन तो ऑप्शन में कंधे पे है टीम, ऑप्शन से ही कंधे पे है इन्होंने, और विराट और इनके चार कंधे नहीं विराट कोहली को चारों दे दिएंगे कि तू ही संभाल अभी पूरी टीम, विराट कोहली अकेले बोल दिया कि तू अकेले जनाजा उठा दे इसका तू अकेले उठा दे और ये करेंगे क्या तेरा साथ छूटा छूटा। और वो डुप्लेसी ने बिल्कुल सही बोला था, डुप्लेसी को भी जाने डुप्लेसी ने बिल्कुल सही बोला था ना क्या इसाला कप नहीं इसाला कप नहीं देखा वो क्लिप रन मार रहा था ना डुप्लेसी रन मार रहा था एक्चुअली तो उन्होंने बोला भाई रन मार रहा वो क्लिप वो क्लिप देखा नहीं देखा डुप्लेसी का उसको बोलते नहीं देखा क्लिप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ रहे थे विराट कोहली उसमें बोलता है इसाला कप नन हां तो इसाला कप नहीं बोल देता उसको भी पता है ना कुछ नहीं होना जाना इनका नहीं तो वही बात है डुप्लेसी बोले भाई मतलब मैं तो भैया आऊंगा तो 400-500 रन मारूंगा तो उन्होंने बोला क्यों जीतना है तेरे को भाई के लिए नहीं नहीं अरे उनका सीधा सिंपल सा हिसाब है भैया कि मतलब बेंगलोर से क्लब्स कौन भर सकता है पागलपंती कौन दिखा सकता है और ये लॉयल्टी के नाम पे ये चूरन बेचे जाओ अपन और भैया ये और एंगेजमेंट कौन बढ़ा सकता है और दारू कौन पी सकता है ज्यादा क्लब कौन बढ़ सकता है हमारे बेंगलोर के क्लब कौन बढ़ सकता है क्या मतलब पहले टेस्ट में सबने रन मारे किसने लाना फेरी पूरा देवदत्त पाटिकल ले आओ ले आओ ले आओ इन्हें देखो ना हर देखो मैं वही बोल रहा हूं ना हर टीम से लानती उठाएंगे जो बात बोल रहे इन्होंने ऐसा रहते भूवी को उठाया सीएसके में इंग्लिश सीएसके में जाना पहले तो लिविंगस्टन को इन्होंने पंजाब से उठाया एलएलसी से कृणाल पांड्या को उठाया इन्होंने पाटिकल को आरआर से उठाया है ना तो अब देख लो मतलब कितने कितने और क्या क्या नाम लूं यार मैं छोड़ दो अब मतलब इनकी तो अब यश दयाल को गुजरात से मुंबई से हां गोमारे शेफर्ड को मुंबई से उठाया मुंबई से उठा दिया बताओ इन्होंने टीम डेविड को मुंबई से उठा के क्या अर्जुन मतलब इनका ट्रेड कितना सक्सेसफुल है इन्होंने लिया कि टीम डेविड बोले टीम डेविड हमें चाहिए ठीक है और आप ले लो विल जैक्स ले लो विल जैक्स ले लो आप विल जैक्स क्योंकि रन मार रहा था इनके लिए भाई बोले कि तूने सेंचुरी क्यों मार दी नहीं इधर सेंचुरी वेंचुरी ये जैसे अपन सोचते हैं ना कुछ अपन सुपरस्टिशन लगा के चलते हैं भाई अपने कभी बेट के पेड़ छूते हैं कभी कुछ करके जाते हैं अपन के रन पड़े कुछ हो ये उल्टा हवन करवाते हैं कि किसी का सारा अच्छा ही नहीं हो
इनको ये उसके लिए मना है कि भाई आप अच्छे को परफॉर्म कर रहे हो, हमने विराट कोहली किस लिए रखा है, ये इनका नाम भाई जिसने भी रखा है ना, ये है ना क्रिकेट की टॉटनम स्पर्स है, ये बिल्कुल सही नाम है इनका भाई, ये टॉटनम स्पर्स ही टॉटनम हॉटस्पर्स ही है मतलब ये टीम भाई, मैं बता रहा हूँ। और 2025 में कोई बड़ी बात नहीं कि आरसीबी एक भी मैच ना जीते, ये भी आप लिख लो। अरे बाप रे इतना बोल्ड प्रेडिक्शन, अरे बाप रे आप तो इनका बड़े बड़ी बात नहीं। वो हम माफी चाहते हैं कि हमने हमारी फेवरेट टीम बताई थी आरसीबी, माफी चाहते हैं हम। ये तो हर आरसीबी फैन भर भर के लाना थी यार, मेरे को लग रहा हर आरसीबी फैन जो है ना ये अपने को क्या बोलते हैं मतलब सीजन के एंड में माफी मांगनी पड़ेगी उनको और टीम को भी मांगनी पड़ेगी मेरे को तो लग रहा है। पर अगर कुछ उल्टा हो गया जरा सी टीम इधर नहीं होगा, नहीं होगा उल्टा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उल्टा, कुछ नहीं होगा उल्टा, लिख लो आप क्या लिख के रख लो आप लिख के रख लो आप, कुछ उल्टा नहीं होना। चलो ठीक है, देखो टीम तो और लेकिन उल्टा हुआ था ऑक्शन में, जिसको हमने सबसे लीस्ट में रखा था एलएसजी, उसने क्या खेला है ऑक्शन में, वो अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे वापस, जो टीम आपसे छूट गई है ना। अभी अपन आगे चलते में देख रहे हैं तो हैदराबाद की बात करते हैं, हैदराबाद ने बहुत अच्छे बाय किए, क्लासन है, ट्रेविस हेड है, ईशान किशन, मतलब सब मारो 300-400 रन मारो, मैं तो कहता हूं 20 ओवर में है ना। अभिनव मनोहर है, अनिकेत वर्मा है, तो मतलब काव्या जी ने मतलब बोला कि उन्होंने बाकी की तो शीट मांगी नहीं कि ऑलराउंडर की शीट कहाँ है, बॉलर की शीट कहाँ है, उन्होंने बोला सिर्फ बैट्समैन की शीट है, बस ओनली बैट्समैन। मेरा नेहरा जी का अपोजिट कर दिया, काव्या जी ने सिर्फ इतना ही बोला इतने रन बना दो, कोई नौ सिक्के बोल डाले ना, अगर मैं भी बोल डाल दूं तो भी किसी थाने वाली टीम से रन नहीं बने, तुम तो रन ही इतने बना दो। हाँ ये बिल्कुल यही स्ट्रेटेजी है उनकी, उन्होंने बोला कि ये 120 गेंदों पे 120 छक्के मारना पॉसिबल है क्या क्रिकेट में, कभी आपकी टीम मार सकती है, इतिहास रच सकती है या कुछ, बस साइन करवाया सबसे उन्होंने। इन्होंने बताया इनको राहुल चार क्यों खरीदा है उन्होंने, कि वो कोट जो खरीदा कि नहीं 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 इनको ऐसा बताया गया था कि ये केएल राहुल है, रन मारेगा, ये भी बैट्समैन है। अरे राहुल चेयर भी कोड खाता है भाई बहुत, पता है उसको भी वही चाहिए कॉम्प्लीमेंट करने लगे, साथ में कोई डाले साथ में कोई डाले भाई, पर इनके पास में बॉलर देखो बैटिंग कर सकता है कि नहीं तो होती बता। राहुल चेयर एडम जेम भाई, राहुल चेयर अच्छी बॉल डालेगा, जेम्पा इनके पास में यार लेग स्पिनर है, इनके पास दो दो लेग स्पिनर है, सिमरनजीत सिंह है, अरे यार पर इनके पास में भी उनाडकट है और ये अंसारी नहीं नहीं पर इनके पास पेट कमिंस है ना यार, ये अच्छा बॉलर है, हर्षद पटेल है, ये तो मारा जाइएगा, अभिषेक शर्मा है, नीतीश कुमार रेड्डी ये अच्छा बाय है, बाकी कमेंडू मेंडिस ये भी अच्छा बाय ही है बोल सकते हैं, पर इन्होंने तो बाबा ईशान किशन को जब खरीदा तो लगा कि ये कितना फायर पावर रखेंगे मतलब कि अरे भाई साहब वो उन्होंने तो बोला कि बटलर तू भी आ जा, बटलर का बिड कर दिया उन्होंने, क्विंटन डिकॉक के लिए भी बिड कर दिया उन्होंने भाई, मतलब जितने बैट्समैन आए थे ना बिड को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे वो, तो उन्होंने सबसे पहले तो माकरम को रवाना किया है, माकरम हर बैट्समैन के लिए, हर बैट्समैन के लिए बिड किया है, वो तो उनका हाथ पकड़ा डेनियल विटोरियो और वो उसने मुरली आया था बीच में, ये तुम क्या कर रहे हो यार, हाँ क्या कर रहे हो यार, मुरली वो सारे गुजरात वाले बॉलर खरीदते जा रहे हैं, इन्होंने जब से विलियमसन को जाने दिया ना विलियमसन को, तब से इनको सूझ पड़ी कि अच्छा टी20 में इतने रन भी बनते हैं क्या। ये तो ध्यान देखो, ये तो बस लेजी एलिगेंस बॉटम हैंड और थर्ड मैन की तरफ दिशा में, अगर रन आया तो रन आया, चौका आया चौका आ जाए। डेनियल विटोरियो और उसने हाथ पकड़ा है मुरलीधरन ने कि मैडम आप ये बैट्समैन लिए जा रहे हो, हम कोचिंग किसकी करेंगे, हम दोनों तो बॉलर है, हमारे लिए तो कुछ लो। अच्छा तब जाके उन्होंने एडम जेम्पा और ये कमिंडो मेंडिस लिया है उन्होंने कि भैया थोड़ा आप देखो, गुजरात गुजरात ने पूरे बॉलर लिए, इनने पूरे बैट्समैन लिए, इन दोनों को मिलाकर बहुत अच्छी टीम बन सकती है आप। बिल्कुल सही बात बोली आपने, तो एसआरएच की तो पर बाबा इनकी टीम बहुत स्ट्रांग है, मतलब एसआरएच की टीम बहुत बैलेंस है, एसआरएच की टीम बहुत बैलेंस, मुझे तो बहुत बैलेंस लग रही है, बैलेंस टीम है। तो प्रखर भाई हम आपसे नोट्स यहां पे भी ले लेते हैं, मतलब आपके क्या कमेंट्स हैं, मतलब जैसा रायसन के ने खूब भर भर के बुराई करी है मतलब की, तो क्या कहना मतलब इनकी टीम पे, मतलब इन्होंने तो बिल्कुल ही औखी टीम खरीदी है, मतलब मेरे को तो लग रहा है इन्होंने तो ना तो इनकी टीम में ढंग का कोई फिनिशर है, ना कोई स्पिनर है, ना तो कोई फास्ट बॉलर ढंग का वैसा है। अगर आपको याद हो आपने जब आखिरी में बोला था कि बेस्ट बाय कौन सा होगा, लीस्ट बाय कौन सा होगा ऑक्शन में, तो बेस्ट बाय तो खैर हमने आरसीबी बोला था, लेकिन लीस्ट बाय हमने ये बोला था राजस्थान, राजस्थान
वो लिस्ट ही है ना, वो लिस्ट मुझे पता, मुझे थोड़ा सा पता ही था जब इन्होंने रिटेन करा था, तो उनका वहां से थोड़ा माइंडसेट लग रहा था कि ये ऐसे कुछ करेंगे ऑक्शन में। इस सीजन ही हार नहीं आए वो, उन्होंने 13 साल के बच्चे को रख लिया भैया। बाल प्रथा अब तो खत्म कर दो यार, क्रिकेट में तो खत्म कर दो बाल प्रथा। अरे उसने आज रन मारा है, आज उसने भी आज वो फाइनल में पहुंचा दिया उसने टीम को, कप्तान है अंडर 19 का। हाँ एशिया कप में वो मारे है उसने रन, पर लगता है 13 साल का क्या लगता है, मतलब वो 13 साल का यार, 13 साल में जब ये प्रतिबंध है ये चाइल्ड लेबर का, तो ये क्रिकेट भी खेलना प्रतिबंध होना चाहिए ना यार भाई साहब। अब क्या बताएं क्या कानून है यार बताओ यार देश में। चलो छोड़ो अब ये तो बात दूसरी हो गई है, ये फिर अटक गए क्या इनके पीछे तो अपन आगे पीछे हुए होंगे। रुको आए क्या प्रखर जी, आ गए क्या, फिर अटक गए थे यार। आ गए इनकी स्ट्रेटजी बता दो आप प्रखर जी, इनकी स्ट्रेटजी बता दो आप। किनकी? पंजाब के लिए, पंजाब की पंजाब की तो एक ही स्ट्रेटजी थी कि चेन्नई क्या कर रही है, मुंबई क्या कर रही है, देख लेना पूरा ऑप्शन में देख लेना। पांच टॉपिक चेन्नई ने उठाया, वहां पंजाब ने उठा, उनका उनका सिर्फ यही था पांच ट्रॉफी किसके पास है, वो जिस प्लेयर पे आएंगे उनके पास पैसे ज्यादा है। उसने बोला कि जो उस प्लेयर पे आएंगे उन पे सारे प्लेयर ऐसे ही आप सारे प्लेयर जितना पर्स था उस हिसाब से उन्होंने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, श्रेयस अय्यर को ले लिया। हाँ यार अय्यर की तो टीम में जगह नहीं है, श्रेयस अय्यर को ले लिया, ऋषभ पंत को जाने दिया। ऐसा प्लेयर है कि लास्ट सीजन आपने अपनी टीम को, आपने अपनी टीम को कप जिताया है, लेकिन उसमें भी लोग मान रहे हैं कि भाई आपका कोई योगदान नहीं था, आपका कंट्रीब्यूशन नहीं था, देखे बगैर रन तो सारे ऊपर से लगे थे ना, उससे ज्यादा तो वो जो खेला ही नहीं, कोच कोच को दे रहे हैं क्रेडिट। अब बता दो आप कैसा कोच भी नहीं, मेंटर कोच तो अपने वो सर थे, अपने ये चंदू सर थे, वो तो जो मतलब चंद्रकांत सर थे, वो मेंटर मेंटर को दे रहा है। हां मेंटर अभी अभी पता लगेगा मेंटर का भी अपने को एडिलेड में क्या हो रहा है अब ये क्या है क्या टीम है अब, क्या बदल क्या बात कर रहे हैं इस पे बताइए यार। देखो इनके पास में कोई भी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं, अब यूजी चहल बस अकेले ही है, और ज्यादा से ज्यादा आपके पास में क्या है मतलब कि अर्शदीप है तो वो एक बोल डाल लेगा, कुलदीप सेन का कुछ अच्छा बोला दे पता नहीं है, लोकी फर्ग्यूसन का आपका बोल सकते हैं प्राइम निकल गया है, नेहल वडेरा यंगस्टर है, उसके बाद में अय्यर का भी कुछ T20 का तो खुद का उसका आता पता नहीं है, उमर जजई है, ग्लेन मैक्सवेल है, हिस्टोनी से यार इन सबका तो पीक निकल गया यार, मतलब ये तो बिल्कुल ही, या तो बिल्कुल ही पुराने तो बिल्कुल ही पुराने हैं, और नए हैं तो बिल्कुल ही नए हैं, मतलब ऐसा चल रहा है कि बिल्कुल जिनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया वो रख लिया, और जो इंटर्न भर लिए इन्होंने बीच में तो कुछ भी नहीं है, कोई अपर मैनेजमेंट हो, कोई मैनेजर लेवल का कोई आदमी हो, कोई डायरेक्टर लेवल का कोई आदमी हो, वैसा कुछ भी नहीं है, जो बिल्कुल रिटायर होने वाला है वो, और जो बिल्कुल इंटर्न है वो रख लिया है, या तो बीपी या तो इंटर्न। हाँ या तो, और बीपी भी ऐसा है कि जिसको अब ये नहीं पता लग रहा कि एआई वे आगे आएगा तो वो यूज कैसे करना है, उसको बस वो चार स्लाइड में दिखाना है कि हाँ एआई आ गया है, एआई में क्या आ गया है, मतलब एआई आ गया तो भैया एलएलएम है जे नहीं आई, मतलब क्या है चीज है भैया, तो वो वैसा हिसाब है कि भैया वो भी क्या गाइड करेगा आपको, वो तो अपने करियर के ढलान पे, उसको तो मतलब उसको तो कहेगा भैया एआई आ गया तो आ गया, मेरा तो हो गया अब, तो वो मैक्सवेल स्टोइनिस ये सारे प्लेयर ऐसे हैं, ये सब हेलो वर्ल्ड वाले हैं, इनको सिर्फ हेलो वर्ल्ड बनाना आता है, बस हेलो वर्ल्ड वाले ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड के भैया ठीक है, हमारे जमाने में भी कंप्यूटर हुआ करते थे वाला हिसाब है इनका, भैया हमने भी कभी रन मारे हैं। चलो ब्रदर भाई से एक और टीम का पूछ लेते हैं अपन, एमआई का स्क्वाड, ये एमआई ने तो क्या स्क्वाड बनाई है यार, ये ना टीम सबसे लीग फेवरेट है वैसे एमआई, पर इस बार एमआई को मानना पड़ेगा, टाइटल तो ये जीतेगी भैया, टीम तो यही है, मुझे भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है एमआई ने इस बार जो टीम बनाई है देखिए, अब आप टीम तो सूर्य कुमार रोहित शर्मा इनको तो पहले ही उन्होंने कर लिया था रिटेन, हार्दिक पांड्या है, दीपक चहर है, फिनिशर भी है, बॉलर बॉलर देखिए इनके, बॉलर देखिए आप जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, ओहो में दीपक चहर, रीस टॉपले, गजनफर, अल्लाह गजनफर भी बहुत अच्छा बॉलर है, विराट विलियम्स को भी नहीं जानते, सत्यनारायण राजू को भी नहीं जानते, करण शर्मा ओहो स्पिनर है अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा, और अर्जुन तेंदुलकर,
अर्जुन तेंदुलकर, तेंदुलकर तो वो आ गए हैं यार, वो तो उधर से योगराज पाजी का फोन आया होगा, सचिन पाजी का नहीं योगराज पाजी का आया होगा, और मुंडियो मेरे मुंडे नौकरी डालो, तो इस वजह से ठीक है। अर्जुन का तो कुछ नहीं बोल सकते, पर यहाँ पे भी देख लो ना भारतीय, मतलब ऑलराउंडर में देखो ना, हार्दिक है, तिलक है, नमन दीदी, विजय सेटर है, राज बाबा भी अच्छा प्लेयर है, बाबा बहुत अच्छा प्लेयर राज बाबा भी, मतलब डोमेस्टिक, मतलब इसका परफॉर्मेंस रहा है, मुंबई इंडियंस ने बिल्कुल जितना उनका पर्स था उस हिसाब से बहुत बहुत अच्छा बाय किया, बहुत अच्छा बाय किया मुंबई ने भी। और उसके अलावा अपन इनके भी पूछ लेते हैं, आप एलएसजी का बता दो, आप एलएसजी पे क्या कहना है, मतलब कि इनकी टीम काफी ज्यादा अच्छी है। हाँ, हमने इनको काफी अंडर एस्टिमेट किया है, हाँ काफी अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन बहुत अच्छा बाय किया उन्होंने ऑक्शन में। टीम तो मेरे को भी अभी ओकी जैसी लग रही है इनकी, क्योंकि इनके पास में भी मतलब बॉलर्स का कोई दमदार नहीं है, और मतलब वो टीम यूनिट में कैसे आएगी और वो कोर कैसे बनाते हैं अपना, उस पर डिपेंड करता है, मतलब लगता है। क्या कहना आपका? हाँ सही बात है, क्योंकि इनके बॉलर्स में मयंक यादव की भी इंजरी प्रॉब्लम रहती है, इंजरी प्रॉब्लम है वो भी। हाँ, इसके अलावा आवेश खान है इनके पास, मोहसिन खान है, और कुछ मतलब फॉरेन में ऐसा कुछ फॉरेनर बॉलर नहीं है इनके पास जो ज्यादा इम्पैक्ट डाल पाए, क्योंकि शमार जोसेफ भी इतना मुझे नहीं लगता इतने इफेक्टिव दिखेंगे आईपीएल में। हाँ, बाकी देखते हैं स्पिनर में रवि बिश्नोई है, रवि बिश्नोई ठीक है, लेकिन ऑलराउंडर में ही और बैटिंग में ही मुझे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखती है एलएसजी। तो बैटिंग में भी अभी माकरम है, मिलर है, अगर ये खेलें तो टीम बन सकती है अच्छी। हाँ, ये खेले तो बाकी मिचमार अच्छा बाय है, शाबाज अहमद भी अच्छा बाय है इनके पास में, ऋषभ पंत सबसे अच्छा बाय लगा मुझे, कि इनके पास पर्स में इतना था नहीं और उन्होंने ऋषभ पंत ले लिया। पर यार ऋषभ पंत के साथ में कुछ भला बुरा नहीं कर रहे, मतलब भला भला कर रहे, बुरा बुरा कुछ भी नहीं कर रहे, पंत का तो आपको सब पता ही है फिर। और केकेआर के ऊपर क्या कहना, मतलब की इनकी टीम देख के KKR ने भी घर वापसी करवाई है अधिकतर तो अपनी सारी। हाँ, इनके तो पुराने खिलाड़ी खरीदे हैं इन्होंने, कप्तान भी सारे पुराने खिलाड़ी। हाँ, कप्तान में नहीं है इनके पास, सिर्फ एक बार इन्होंने ये क्विंटन डिकॉक लिया है ना बस। बाकी इन्होंने रोमन पॉवेल, मुझे समझ नहीं आया क्यों लिया। रोमन पॉवेल भी ऐसा कुछ फॉर्म में नहीं था, पर वो रोमन पॉवेल ले लिया, अजिंक्य रहाणे ले लिया उन्होंने, मनीष पांडे ले लिया, उनके घर वापसी करवा दी वापस। उमरान मलिक को ले लिया, चलो ठीक है। अभी जीटी की तो अपनी बात हो गई है, जीटी की तो आपने बोल दिया था ना, आपको कुछ बोलना है? उमरान मलिक को कहां लिया केकेआर ने? उमरान को लिया ना केकेआर ने, ये रहा उमरान मलिक, पहले अनसोल्ड लिया था, फिर दूसरे बाय में लिया था उसको, दूसरे उसमें। अच्छा, यहाँ कुछ कर जाए तो अच्छा, मतलब उमरान को हो सकता है कलकत्ता सूट कर जाए, भा जाए गुजरात पे, तो शायद ले लिया था हमने पॉइंट ऑफ व्यू, गुजरात पे तो हो गया। चलो, मेरे को लगता है कि चीजें हो गई हैं, और बस एक आखिरी वो था इसमें डिस्कशन का, दो पॉइंट था, जो प्लेयर अनसोल्ड गए, मतलब क्या उस पे डेविड वार्नर हो गए, और मतलब बहुत सारे प्लेयर थे जैसे पार्टिकल भी पहले राउंड में अनसोल्ड गए थे, उसके बाद में ग्लेन फिलिप्स हो गए, हालांकि ये प्लेयर खरीद लिए गए मतलब की यहाँ पे, बट आप देखें कि खरीद लिए गए मतलब बाद में, तो हाँ ये जो अनसोल्ड प्लेयर गए मतलब की इसमें, उनके बारे में क्या कहना है? इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे और वन शॉट चले गए। आपके पास लिस्ट है अनसोल्ड प्लेयर की? लिस्ट अनसोल्ड प्लेयर की लिस्ट निकाल लेते हैं ना अपन, रुको अनसोल्ड, रुको आप जब तक इनका नाम बता दो, और किसके को लग रहा है। लेकिन पांड्या जी ने प्रेडिक्शन किया था पृथ्वी शॉ का, पृथ्वी शॉ का प्रेडिक्शन तो बिल्कुल वो गया भैया, वो गया बिल्कुल एकदम टॉप नॉच गया है। मैं निकाल देता हूँ, मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई तो खरीदेगा उनको, लेकिन जिमी एंडरसन भी गए अनसोल्ड। जिमी एंडरसन तो शायद आए नहीं, उनको तो रखा ही नहीं, उनको तो उनका तो बोला ही नहीं शायद ऑप्शन। अनसोल्ड पीयूष चावला अनसोल्ड गए, मतलब ऐसे प्लेयर्स की लिस्ट तो बहुत ज्यादा है, चलो निकाल लेते ना अपन, बता देते हैं जो जो अपने बस में होंगे वो अपन देख लेते हैं उन प्लेयर्स को, मतलब कि आईपीएल ऑप्शन में देखो अब ये प्लेयर्स देखो अपन, जिस जिसका नाम जानेंगे उनका देख लेंगे अपन। इसमें तो पता नहीं, टॉम लेथन गए तो ये तो चलो ठीक है, मतलब ये तो जाने लायक थे ही वैसे भी, बड़ा नाम अगर आप देखें तो इसमें कौन है, और नीचे आ जाओ क्रिस जॉर्डन। हाँ, क्रिस जॉर्डन तो हाँ ये भी अनछुल लायक ही थे ये तो, है ना, और ये एक और कौन है, और ये ब्रेंडन
शिवा हो गया, तेजस्वी, मतलब एडम मिलने चलेगा छोड़। मतलब हमें मेन मेन नाम तो पता ही है जो मतलब जो शॉकिंग नवीनुल हक को नहीं लिया किसी ने यार, नवीनुल हक है, हाँ उमेश यादव है, मुस्तफिजुर रहमान है, बांग्लादेशी को तो मेरे को शायद से बांग्लादेशी तो एक भी प्लेयर लिया, एक भी प्लेयर नहीं लिया बांग्लादेशी तो, जोश फिलिप है, हाँ ये ब्रेविस हैं, ये फेन एलन प्रखर भाई के फेवरेट थे ये, तो भी नहीं लिया है, और कौन कौन शाकिब अल हसन है, मतलब ये तो बांग्लादेशी प्लेयर, इनको भी नहीं लिया है यहाँ पे, आदिल रशीद है ये भी अनसोल्ड गए, मतलब केशव महाराज अनसोल्ड चले गए, बताओ मुजीबुर रहमान अनसोल्ड चले गए, बताओ, और शिखर भरत ये भी अनसोल्ड चले गए इंडिया के लिए, शार्दुल ठाकुर अनसोल्ड चले गए, हाँ यार कितना बड़ा मतलब शॉकिंग रिजल्ट है, तो यार मतलब जिस आदमी ने इतने मैचेस जीता है इंडिया को वो अनफोल्ड चला गया, मतलब डेरिल मिचेल हैं, शाय होप हैं, एलेक्स केरी हैं, मतलब यार कितने, मयंक अग्रवाल यार इतना अच्छा प्लेयर था, इतना अच्छा ओपन कर रहा है, श्रीकर भरत का भी तो अच्छा जा रहा था आईपीएल ऊपर करने यार, हाँ श्रीकर भरत को भी नहीं लिया किसी ने, श्रीकर भरत भी अनफोल्ड चला गया, पीयूष चावला को देखो, कार्तिक त्यागी ये भी अच्छा बॉलर था, पता नहीं क्यों नहीं लिया, उत्कर्ष सिंह इनका नाम जानता नहीं मैं, यश ढोल को भी नहीं लिया इन्होंने, और अनमोलप्रीत सिंह इनका नाम भी अच्छा था, ये भी अच्छे खेलते थे, बैरिस्टो हो गए, वॉर्नर हो गए, तो इनको तो किसी ने भी नहीं लिया, और मेन प्लेयर तो जो हाईलाइट रहा वो पूरे ऑक्शन की, मतलब अब शार्दुल ठाकुर भी हो गए और पृथ्वी शो भी हो गए, मुझे तो लगता है कि ये अनसोल्ड प्लेयर में से कुछ प्लेयर ले ली थी आरसीबी तो फिर भी अच्छी टीम लगती। हाँ आप ये देखो कि ये जो तीन प्लेयर है लगातार, शार्दुल ठाकुर हुए, पृथ्वी शो हुए, और ये मयंक अग्रवाल हुए, ये उस टीम का हिस्सा थे जो टीम है ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया में पिछला जीटी जीत के आई थी, बताओ आप तो, मतलब पृथ्वी शॉ तो मुझे पता ही था डेविड वार्नर भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि मतलब एक बार थोड़ा सा मतलब नेशनल टीम से रिटायर हो जाता है उसके बाद थोड़े से स्टॉक्स गिर जाते हैं तो वो तो होता ही है। हां वो तो बाकी तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी मतलब जो शॉकिंग है वो मेरे लिए शार्दुल ठाकुर है, मतलब शार्दुल ठाकुर है, मयंक अग्रवाल है, अभी भी काफी है, अब काफी यंग है मतलब शार्दुल ठाकुर, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने मतलब खराब परफॉर्मेंस दिया है कहीं पे या फिर कुछ हुआ है तो वैसा भी नहीं था, और अभी भी मतलब कंटिन्यूसली वो क्रिकेट खेल रहे हैं और मतलब बैटिंग बॉलिंग दोनों चीजें अच्छे से कर लेते हैं, तो मतलब कहीं भी वो मतलब फिट कर सकते थे, मतलब लोगों ने उनको बैकअप भी नहीं समझा किसी प्लेयर का, तो मतलब वो वही मैं कह रहा हूँ यार, शार्दुल ठाकुर तो अच्छा प्लेयर है यार, मतलब शार्दुल ठाकुर को तो आप रख सकते हो, पृथ्वी शो को आप रख सकते हो, मतलब ये तो अच्छे प्लेयर है ना, मतलब कि यार ये तो परफॉर्म करके देते हैं आपको, पृथ्वी शो को तो चलो अब जैसे प्रखर ने मतलब हंसने वाली बात नहीं, मतलब पृथ्वी शो के लिए भी यही बोलूंगा जिस प्लेयर से आपको इतनी ज्यादा उम्मीदें थी वो, मतलब कि आपको लगता है ना पृथ्वी शो को भी, अब यही बोलते हैं ना आपको उम्मीदें थी उस प्लेयर से कुछ बड़ा करेगा, उनके साथी प्लेयर इतना कुछ कर रहे हैं और उन्होंने वो मतलब इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब अभी तो एक चीज है वो वीडियो में आकर के बोल रहे डेडिकेशन है टैलेंट है ये सब, तो वो उनको करना चाहिए मतलब कि, और अभी कोई एज निकली नहीं उस प्लेयर की, मतलब वो कमबैक भी कर सकता है, सरफराज खान का कमबैक हुआ इनका भी हो सकता है, तो बाकी तो रिजल्ट शॉकिंग ही थे यार, मतलब कि जो प्लेयर्स बाकी जो गए मतलब वार्नर हुए मयंक अग्रवाल हुए सब, तो क्या कहना प्रखर भाई आपका बता दो आखिरी नोट्स ट्रेंड करें। हां सही बात है, पृथ्वी शॉ का लग रहा है बस, बहुत सारे प्लेयर, हाँ पृथ्वी शॉ का है, वार्नर भी अच्छा प्लेयर है, वार्नर भी मुझे लगता है खेल सकते थे, और मुझे तो ये लगता है कि आरसीबी इन अनसोल्ड प्लेयर में से कुछ ले लेती तो भी अच्छी टीम दिखती। हाँ अब ठीक है, अभी इनके पास में ले सकती थी आरसीबी। हाँ यार पता नहीं क्या है, चलो ओवरऑल अगर बात कर ले हम लोग क्या लगा, मतलब ऑप्शन से कौन सी टीम अभी लग रही है इसकी टीम अच्छा ऑप्शन, इसकी लग रही है टीम के साथ अच्छा बाय किया, अच्छा बाय और वर्स्ट बाय, मतलब अच्छी टीम बेस्ट टीम और वर्स्ट टीम बता दो आप। वर्स्ट टीम तो आरसीबी है, वर्स्ट टीम मेरे लिए भी आरसीबी है, मेरे लिए तो पंजाब है। हाँ वो पर्स की वजह से ठीक है, मतलब ऑप्शन की अगर बात करें वो तो आप बता रख सकते हो, मतलब मेरे लिए भी वही रखोगे या मतलब वो इन तीनों को तो आप एक एक ही उसमें रख लो श्लेष लगा के। हां एक उसमें रख लो, हां यार आरसीबी और किंग्स इलेवन,
मतलब जो ऑक्शन जो गया है और शायद मेरे हिसाब से टीम भी जो बेस्ट है वो मुंबई है, मतलब नो डाउट मुंबई लगती है। और अब जीत कौन रहा है, जीत की प्रेडिक्शन कर दो यहां से आज की वीडियो में। ये तो मुश्किल है। फेवरेट टीम बता दो आज की, फेवरेट टीम बता दो जो आप चाहते हो कि जीते। अपनी तो ऑब्वियसली वो तो चेन्नई है, पुरानी है पंड्या जी की सीएसके, मेरी एमआई है तो हम तो एमआई को चाहेंगे और एमआई जीतेगी इस साल कुछ भी हो जाए। आपके क्या आप बता दो, आप बदलते हो टीमें तो कभी सीएसके कभी आरसीबी कभी केकेआर। ऑरेंज आर्मी, ऑरेंज ऑरेंज आर्मी कर दो बार, आप ऑरेंज बिस्किट खा रहे हो। काव्या जी पर्सनली बुलाएंगे आपको, प्रीति जी ने धोखा दे दिया तो काव्या जी। प्रीति जी का तो अपनी टीम पे कुछ भरोसा नहीं होता। प्रीति जी का तो खुद को साइड में बिठा दिया था वो नेस वाडिया ने बनाई गलत टीम। नेस वाडिया की वजह से हुआ है गड़बड़ पूरा। हाँ यार उनका हर बार के रहता है वो ऑप्शन ऐसे करते हैं। प्रीति जी को सबने बोल दिया होगा कि पेपर पे देखो ये प्लेयर अच्छा है ये प्लेयर अच्छा है, प्रीति जी ने खुद जब सर्च करोगे ना ये तो सब माड़े प्लेयर रहेंगे यार, ये तो कंपनी ठीक है। मतलब कि आप एसआरएच के पीछे जा रहे होगे तो फिर किसी दिन आपको फैन आर्मी बुलाएं एसआरएच की गांव मैच में देखना है। क्योंकि अब आरसीबी को तो नहीं कर सकते सपोर्ट, वैसी टीम ही नहीं है आरसीबी का। नहीं आरसीबी को तो मतलब बहुत घातक है सपोर्ट करना, तो मतलब बहुत घातक है क्या बनाएगी ऐसा घातक है आरसीबी को सपोर्ट करना। बहुत घातक वो घातक भी है और उसके लिए आपको फिर स्पेशल मतलब चीजों की जरूरत लगेगी। हाँ आपको फिर सपोर्ट करने के लिए आपको पूरे दिन निकालने वाली पड़ेंगे आपको, आपको भी रॉयल चैलेंज लेना पड़ेगा आरसीबी को सपोर्ट करने के लिए। आरसीबी को भी सपोर्ट करना अभी रॉयल चैलेंज है अपने आप उसके लिए। जैसे उन्होंने ऑप्शन करा है जो लेके वही चीज लेके हमको मैच देखने पड़ेंगे फिर। और आरसीबी के मैचों पे आप ध्यान रखेंगे, कुछ भी आप कुछ भी लगाने की कोशिश ना करें, बस मैं तो इतनी बोलूंगा। मतलब मैं कहता हूँ कोई सा भी कॉन्टेस्ट खेलने की कोशिश ना करें आप, भले ही 10 रुपए एटलीस्ट जीत पे तो ना करें। जीत पे ना करें तो ठीक है। मतलब आईपीएल ऑप्शन तो अच्छा रहा, मतलब कि हमारा वीडियो थोड़ा लेट हो गया पर ठीक है। मतलब कि अभी यही थोड़ा आखिरी का रिमार्क था हमारा, तो इस वीडियो में इतना ही था। मतलब कि आपको क्या लग रहा हो, आपको कौन सी टीम बेस्ट लगी, क्या लगाओ वीडियो कैसा लगाओ, थोड़ी बहुत टेक्निकल चीजें थी तो ठीक है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अच्छा डिस्कशन करा, मतलब हमने तो अच्छा डिस्कस किया ही है, वो आपके ऊपर आपको पसंद आया नहीं आया वो आपकी मर्जी, आपकी हमें जो बोलना था हमें जो करना था तो वो किया ही है डिस्कस। और आपको भी मजा तो आना चाहिए, मतलब आप तीनों लोगों को मजा आया तो बाकी दोनों को आपको तो आया ना मजा। बिल्कुल बहुत आया था, बिल्कुल बिल्कुल। तो वीडियो को प्यार दीजिएगा और आपके जो भी कमेंट हो बताइए हमें। और इस वीडियो में इतना, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।